أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يبقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه باطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين असलकम वही वरक मैं आप सबका फेहम कुरान की तरफ से दौरे कुरान में इस्ते करती हूँ तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के इस्तबाल के साथ आप लोग सब को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि जिस तरफ से जिस भूख के साथ हिदायत की भूख के साथ आप लोग सब यहाँ पर जमा हुए हैं तो इन श्ला यहां यहाँ पर आज हम दौरे कुरान का आगाज करने वाले हैं और रोज हम एक जो कुरान का पढ़ेंगे इनशाला उसको पढ़ेंगे समझेंगे इस नीयत से पढ़ेंगे कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए और फिर हम इसके ऊपर अमल करें हम यहाँ पर सारे लोग जो जमा हैं हम बस हाथ कर, ये हाथ उठाकर कर इनशाला ये सफ़र का आगाज से पहले हम हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तला हम सब यहाँ पर जो जमा हुए हैं सिर्फ और सिर्फ हिदायत के तलबगार हैं सिर्फ और सिर्फ तेरी जन्नत के तलबगार गार है सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के तलबगार गार है अल्लाह तला आप हमको हिदायत दे दीजिए आप हम अब तक जो भी हमारी गफलत हो गई है कुरान के टर्ड्स जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने नहीं निभाई हमने उसको नहीं पढ़ा उसका हक अदा नहीं किया उसमें जो भी गफलत हो गई अल्लाह तला आप हमको माफ फरमा दीजिए आप गफुररहीम हैं अल्लाह तहाँ पर हम जमा हुए हैं ताकि हम आपसे हिदायत लें ताकि ये कुरान जो हिदायत की किताब है हम उसको हासिल करें अल्लाह ताला आप हमारी मदद फरमाइए कि हम इसके सही फहम तक पहुंच सकें इसके सही खजानों तक पहुंच सके इसकी सही इसके इसकी सही तफसीर और इसका सही मफहम हम एक एक आयत का माने हम समझ सकें अल्लाह ताला आप हमारी इसमें अल्लाह हमारी इसमें मदद फरमाइए तो इन बहनों आज हम दौरे कुरान का जो आगाज करने वाले हैं जो लोग जानते हैं दौरे कुरान उनको तो पता है जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं कि दौरे कुरान एक्चुअली कुरान का एक दौर होता है जिसमें हम पूरी कुरान अव्वल से आखिर तक इन शाह रमज़ान के ये महीने में मुकम्मल करने की नीयत से हम शुरू कर रहे हैं तो इसके अंदर रोज एक जो उसका तर्जुमा किया जाएगा थोड़ी सी उसके अंदर तफसीर देखी जाएगी और ऐसे नुकात उसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे ऐसे पॉइंट्स उसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे लिए आसानी हो और इनशाला इस थीम के साथ हम ये दौरे कुरान का आगाज करेंगे कि अल्लाह ताला मेरा दिल बदल दे यानी कि ये दौरे कुरान का जो थीम हम इन लेंगे वो ये है कि तस्क्य कल्ब तस्किए नफ्स यानी कि हमारे नफ्स का तस्किया हमारे अंदर की जो गफलतें हैं जो गुनाह हैं जो गैर अल्लाह गैर अल्लाह की जो मोहब्बतें बसी हुई है दुनिया परस्ती हमारे दिलों में बसी हुई है हम उसको एक एक निकाल कर अपने दिल से फेंके और एक शूरी जिंदगी गुजारे एक खशियत की जिंदगी गुजारे तकवे की जिंदगी पाकिजा जिंदगी और फिक्र आखिरत की जिंदगी इनशाला हम गुजारें तो ये दौरे कुरान का जो थीम रहेगा वो ये है कि अल्लाह तला मेरा दिल बदल दे इनशाला दौरे कुरान को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाने के लिए हम लोग आपके लिए बहुत सारे फन एक्टिविटीज इसके अंदर लाए हैं और मैं अभी बता दू आगाज में ही कि ये दौरे कुरान सूटेबल है चाहे आपके यानी कि एज टेन इयर्स हो या फिर आपकी एज जो है अस्सी प्लस रहो यानी कि टेन टू एटी इयर्स प्लस प्लस के लिए सबके लिए ये दौरे कुरान सूटेबल है हर एक बच्चा बड़ा बूढ़ा हर कोई इसको सुन सकता है इनशाला क्योंकि हम बहुत ही सादा अंदाज में कुरान को पढ़ेंगे समझेंगे कोई बड़े बड़े फलसफाने बातें हम इसके अंदर डिस्कस नहीं करेंगे इनशाला सिंपल जिससे हमारे दिलों का तस्किया हो जाए जिससे हमारे दिल बदल जाए जिसके हम जिससे हमारे दिल अल्लाह तला के करीब हो जाए अल्लाह तला की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा हो जाए और हम जान सके कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला हमारे लिए क्या पैगाम नाजिल फरमाए हैं चौदह सौ साल से ये कुरान हमारे पास है हमारे शेल्फ में पड़ी हुई है हमारे अलमारियों में है हम ड्राइंग रूम में रखते हैं हम शादियों में सबसे पहले कुरान को बच्ची के लिए जो है खरीदते हैं पर हम अब तक उसको पढ़े नहीं हम अब तक उसको समझे नहीं हम अब तक उसको खोले नहीं हम अब तक उसका कम्प्लीट तर्जुमा से हम नहीं गुजरे तो आइए हम इनशाला तेजी से तर्जुमे से हम इनशाला गुजरेंगे ताकि हम पहले तो मोटी मोटी बातें ये जान सके कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसमें क्या पैगाम दिया है हमारे लिए क्या बात अल्लाह तला बता रहा है तो जैसा मैं अभी बताई कि इसमें जो है बहुत सारे फन एक्टिविटीज रहेंगे बहुत सारे क्विज रहेंगे कुछ शुरू में रहेंगे बीच में भी रहेंगे एंड में भी रहेंगे और फिर आपको खास यानी कि और इंटरेस्ट आपका बरकरार रखने के लिए इन एक नया हम जो है यानी कि एक्टिविटी इसके अंदर एड करेंगे बहुत सारे नए नए एक्टिविटीज रहेंगे उसमें से एक जो है ट्रेजर हंट रहेगा जिसके अंदर आपको शुरू ही में कुछ हिंट्स दे दिए जाएंगे कि यहाँ पर आ, क्लास के दौरान आपको वो चीजें हिंट के तौर पे बता दी जाएगी जिसको आपको ढूंढना है पूरी क्लास में ठीक है पूरी क्लास में आप ढूंढेंगे और जैसे आपको टोटल पांच आपको हिंट दिए जाएंगे आप उसके अंदर जैसे आपको एक हिंट मिल गई आप लिख लेंगे दूसरी तीसरी जैसा फिफ्थ हिंट आपको मिलती है फॉरी से आपको क्या करना है कि वो आंसर आपको चैट बॉक्स में डाल देना है इनशाला तो, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा ये ट्रेजर आपको ट्रेजर कहाँ पर मिलेगा आपको आयतों में मिलेगा हदीस में मिलेगा या आपको इलिस्ट्रेशन जो स्क्रीन पर जो भी चीज बताई जा रही है उसके अंदर आपको ढूंढना है ओके इनशा तो और फिर इनशाला बीच बीच में कुछ भी हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल अलर्ट बैठना है आपको यहाँ पर वहां जो है आप आ, जो, आ, रिक्लाइन नहीं करेंगे आप सुस्ती नहीं करेंगे बिल्कुल एक्टिव इनशाला बैठेंगे ताकि ये जो कुरान सीखने के लिए यहाँ पर जो नीयत से हम बैठे हुए हैं उसका पूरा का पूरा फायदा इनशाला हमको हासिल हो जाए तो चलिए इससे ज्यादा मैं डिले नहीं करूंगी मैं इनशाला अभी हम लोग अपना अः इनशाला दौरे कुरान का आगाज करते हैं और सबसे पहले जो सूर्य से हम आगाज करेंगे वो कौन सा है वो फातिहा है सूर्य फातिहा है अब जैसा हम जानते हैं कि जो सूर्य फातिहा है ये एक्चुअली फातहतुल किताब है यानी कि किताब की आ, त, आ, ओपनिंग है गोया कि अगर मैं ये कहूँ कि ये मिफ्ताहुल किताब है ये किताब की कुंजी है यहां से हम कुरान को खोल रहे हैं जैसा एक ट्रेजर होता है एक बहुत ही कीमती जो है जिसके अंदर ज्वेलरी है जिसके अंदर नगीने हैं गोल्ड है सिल्वर है आपकी तमाम चीजें तो उसको आप महफूज एक डब्बे में रखते हैं और उसकी फिर एक कुंजी होती है कुंजी हालांकि बहुत छोटी होती है पर असल कुंजी होती है जिससे आप पूरे खजाने को खोलते हैं तो ये पूरा जो कुरान है वो खजाना है और उसकी कुंजी हमारे पास है सूर्य अलफाहा जिसको हम हर नमाज में पढ़ते हैं तो ये फातहा क्या है ये पूरे खजाने की कुंजी है हालांकि खजाना तो पूरी कुरान के अंदर हमारे को मिल जाएगा असल कुंजी जो मैटर करेगी वो सुरेल फातहा तो इनशाला अभी हम अपने कुरान का आगाज करेंगे ये मिफ्ताहुल किताब से मिफ्ताहुल हिदाया से जो हिदायत की कुंजी है इनशाला उससे हम आगाज करेंगे और फिर तमाम आगे अल्लाह ताला के आप बता रहे हैं वो देखेंगे तो सूरे अल सुर ये हमारी मक्की सूरत है और सात आयतों पर मुश्तमिल है ये पहली सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर और इसके अंदर अल्लाह ताला ऐसी यानी कि आयतें अल्लाह ताला रखे हुए हैं कि इसको सिर्फ कुरान का हिस्सा नहीं बना दिया बल्कि इसको अल्लाह तला ने नमाजों का हिस्सा भी बना दिया क्या करें अल्लाह इसको नमाजों का हिस्सा बना दिए इसको ऐसी अहम यानी कि नमाज का जुज बना दिए कि आप वसल्लम ने फरमाया कि सुरह फातहा नमाज में नहीं पढ़े उसकी नमाज नाखि है नाखिस है नाखि है आप वसल्लम ने तीन मरतबा बता दिया तो देखिए कि ये जो सुरह है कुरान का भी इब्तिदा है और यहरा हिदायत की कुंजी है और ये शुरा हमारे नमाज का सबसे अहम तरीन हिस्सा है तो चलिए इनशा हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर अल्लाह तमारे लिए अः क्या फरमाते हैंजीम बिस्मिल्लर الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم.

तो हमने शुरे फातिहा से पहले आउज बिल्ला पढ़ा, पढ़ा क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुकुम है कि बिसम पढ़ी जाए और फिर आउजे में अल्लाह ताला फरमाते हैं मिन फस्ताज़िल्न रजीम जब कुरान कीत करो तो क्या करो आऊज बिल्ला पढ़ो अल्लाह ताला से पनाह में तुम आ जाओ अल्लाह क्योंकि शैतान हमको बहकाएगा तो हमको शऊरी तौर पर यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूंगी कि शऊरी तौर पर आप लोग भी आउ जबिल्ला पढ़ लें ले तौर पर पढ़ लें थोड़ा सा म्यूट कर दे तो चलिए उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह हर सूरे का एक हिस्सा रहेगा सिवाय जैसा हम जानते हैं कि सूर्य तोबा के राइट सूर्य तोबा से पहले हम बिस्मिल्ला नहीं पढ़ेंगे चाहे हम सूर्य तोबा से ही आगाज कर रहे हो या फिर हम यानी कि कंटिन्यूएशन में पढ़े हो तो बिस्मिल्ला वहां पर हम नहीं पढ़ेंगे अः सूर्य तोबा से पहले वरना उसके अलावा हर सूर्य से पहले हमको बिस्मिल्ला पढ़ना है तो उस हुक्म के मुताबिक हमने आउस बिल्ला भी पढ़ ली बिस्मिल्ला भी पढ़ ली। अब यहां पर आयत नंबर की तारीफ है अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है तारीफ और शुक्र दोनों भी आ गया अल्लाह तेरी तारीफ और शुक्र है क्योंकि क्यों अल्लाह तारीफ और अल्लाह शुक्र क्यों है क्योंकि दुनिया में जो भी चीजें सारी चीजें सारी चीजें अल्लाह त हुई है तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल में अल्लाह ताला की तारीफ है कैसे जैसा हम जमीन को देखते हैं आसमान को देखते हैं तो हम जब जमीन और आसमान की तारीफ करेंगे तो एक्चुअल तारीफ किसकी है अल्लाह तला की है और फिर अगर हम किसी की सलाहियत की तारीफ करेंगे तो एक्चुअल तारीफ किसकी अल्लाह तला की, अल्ला की तारीफ है क्योंकि वो सलाहियत देने वाला रब कौन है वो मेरा और आपका रब है रब्बिल आलमीन है इसलिए उसी की तारीफ और उसी का शुक्र है और वो जात कैसी है सिर्फ जो है रब नहीं है बल्कि वो रहमान और रहीम है वो बहुत मेहरबान और अहम करने वाला है मालिक यौमिद्दीन है वो रोज़े जजा का मालिक है इया नअबुदु व इया नस्तईन और अल्लाह ताला से हम यहाँ पर पहले अल्लाह ताला की पहले हिस्से में अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं और यहाँ पर एक्चुअल में अल्लाह ताला का तारुफ है अल्लाह का इंट्रोडक्शन है कुरान हम जब इब्तदा कर रहे जब हम शुरू कर रहे तो यहाँ पर हमारे लिए अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन है कि जिसकी हम किताब पढ़े वो मालिक कैसा है वो तो रबालमीन है वो तो रहमान और रहीम है सबसे पहली सिफत और फिर वो रोजे रोज़ जजा का मालिक है अब हम अल्लाह ताला से जब ये जान लेते हैं कि अल्लाह तब हैं हमारे आप खालिफ मालिक मदबिर हैं आप रहमान और रहीम है हम पर रहम कर रहे मुसलसिल रहम करते चले जा रहे एक मरतबा नहीं बल्कि बार बार आप रहम करते जा रहे मुसलसिल आप रहम करते जा रहे और आखिरत में जब मरना है एक मौत एक ऐसी हकीकत चीज है ऐसी यानी कि अटल हकीकत है जिसको एक मुसलमान भी कबूल करता है गैर मुसलमान भी कबूल करता है तो अल्लाह ताला यहां पर बता रहे कि उस मौत की जब तुम जो वो जो मौत है जब तुमको आ जाएगी उसके बाद जब तुम खड़े हो तो उस दिन का जो मालिक है वो बदले के दिन का मालिक जिसमें आपके हर अच्छाई और बुराई का जब आपको बदला दिया जाएगा तो उसका जो मालिक है तो जब हम ये जान लेते हैं तो फिर हम हमारे दिल से हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हम सिर्फ तेरी इबादत करेंगे अल्लाह ताला बस तेरी ही हम इबादत ये हमारा कमिटमेंट है ये हमारी बंदगी का इजहार है कि अल्लाह ताला तेरी इबादत हम करेंगे और सिर्फ और सिर्फ और और तुझी से हम मदद मांगेंगे क्योंकि वो होल एंड सोल दुनिया आखिरत की तमाम जो अथॉरिटी है जब तेरे हाथ में है तो हम कई क्यों किसी और से हम दुआ मांगे बल्कि मुकम्मल क्या है हम अल्लाह ताला की इबादत का इजहार कर रहे हैं और अल्लाह ताला से ही दुआ मांगने का हम इकरार यहां पर कर रहे हैं अच्छा अब यहां पर देखिए कि एक सवाल आप लोगों के लिए पोल लॉन्च करिए तो एक सवाल आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर करना चाहूंगी कि ये बताइए कि अल्लाह ताला की हम यहाँ पर इबादत का यानी कि इजहार कर रहे हैं और अल्लाह ताला से ही हम क्या है कि मदद का इकरार कर रहे हैं तो अब ये आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि अल्लाह तला से ही मदद मांगनी चाहिए या हम किसी दुनिया में किसी से भी मदद मांग सकते हैं यानी कि दुनिया में क्या हम किसी और से मदद चाह सकते हैं ये आपके लिए सवाल है चलिए बताइए ओके आप आप लोगों के सामने पोल्स आ गए ओके रिजल्ट्स थोड़ा सा पोस्ट कर दीजिए देखिए कुछ लोगों ने जवाब दिया है कि भाई सिर्फ हमको अल्लाह ताला से ही दुआ मांगना चाहिए अल्लाह ताला के अलावा हमको किसी और से दुआ नहीं मांगना चाहिए राइट अच्छा तो अब देखिए कि जैसा हम आपस में एक दूसरे से मदद तलब करते हैं कोई भी चीज की मदद हम एक दूसरे से मांगते हैं तो क्या हम एक दूसरे से वो मदद नहीं मांगेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी बात जो हमको याद रखना है वो ये है कि हम मदद एक्चुअल में जो खादिर है जो कुदरत रखने वाला जात है अल्लाह ताला की जात है हम सिर्फ उसी से मदद मांगेंगे पर दुनिया वालों से भी हमको मदद मांगने की जरूरत पड़ सकती है राइट दुनिया वालों से भी मदद मांगने की जरूरत तो अब इसके अंदर हमको सिर्फ ये बात का ख्याल रखने का है कि मदद हम उससे मांगेंगे जो जिंदा है यानी कि हम दुनिया वालों से मदद मांग सकते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्लाह से अब जिस तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे पानी की जरूरत है जरा भाई थोड़ा वहां बॉटल है बढ़ा दीजिए आप पानी दे दीजिए राइट तो फिर यहाँ पर क्योंकि देखिए आंसर में आ, क्या है कि फिफ्टीन सिक्स लोगों ने कहा है कि भाई हम अल्लाह तला के अलावा दुनिया में किसी और से मदद मांग सकते हैं यस कहा है और नाइनटी ने कहा है कि नो राइट ठीक है चलिए आप जो एंगल से बोले हैं वो बिल्कुल सही है क्योंकि अल्लाह अब दुनिया वालों से जो मदद मांगना है वो मांग सकते पर उसके लिए कंडीशन है उसके लिए कंडीशन ये है कि वो जिंदा होना चाहिए उसके लिए दूसरी कंडीशन ये है कि वो कादिर होना चाहिए यानी कि वो कुदरत रखता हो उस चीज की तो उससे हम मांगेंगे और तीसरी चीज ये है कि वो मौजूद होना चाहिए यहां पर बैठ के मैं अपने दूसरे शहर में जो मौजूद है मैं उससे मदद नहीं मांग सकती ठीक है और जो जिंदा है मैं उससे मांगूंगी जो मर गए इंतकाल हो गया मैं उससे नहीं मांगूंगी और तीसरा जो कुदरत रखता है जिस चीज के ऊपर कुदरत रखता है मैं उससे मांगूंगी तो दुनिया में अगर हम आपको किसी से मदद मांगना है तो ये, तो ये फुलफिल करने वाले से हम मदद ले सकते हैं ठीक है ना अच्छा फिर उसके बाद हम यहाँ पर दुआ कर रहे हैं अल्लाह तुम्हारी बंदगी का इजहार करके और यह बोल रहे आप मुझे सीधा रास्ता दिखाइए अब कौन सा रास्ता सीधा सिरौी वो रास्ता जिनके ऊपर अल्लाह ताला आपने इनाम फरमाया है किसका रास्ता जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने आपने इनाम फरमाया है कौन है वो इनाम याफ्ता लोग अब देखिए कि उसके बारे में क्या आता है कि इनाम याफ्ता लोग वो हैं जो सिद्दीकी है जो शहदा है जो सॉलिहीन है ठीक है ठीके? जो और सबसे पहले तो सॉरी सुर यानी कि अंबिया जो अम्बिया है सिद्दीन है शहदा है सॉलिन है ये क्या है इनाम याफ्ता लोग हैं इन इनसे क्या इनके हम अल्लाह तला से क्या बता रहे हैं कि अल्लाह हम को इनके तरह बनाइए इनके लो, इन लोगों में हमको शामिल फरमाइए तो अन अमता जिनके ऊपर अल्लाह आपने इनाम फरमाया है हैदूब अलिम और उन लोगों का रास्ता नहीं है अल्लाह जिनके ऊपर आपने गज़ब फरमाया है गज़ब क्या है यानी कि अल्लाह का गुस्सा और वल दौ, वलिन और वो उनके उस रास्ते पर भी नहीं जो भटक गए जो गुमराह हो गए तो अब देखिए कि हम अल्लाह ताला से क्या बोले कि अल्लाह ताला हमको सीधा रास्ता बताइए कौन सा रास्ता इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता यानी कि जिस तरीके से अल्लाह ताला, ताला, ताला फरमाते हैं किबीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सलि व हुस्ना का रफीका ये अल्लाह ताला के यानी कि इनाम याफ्ता लोग हैं तो इनमें शामिल फरमा गैर गैरमूब और गुम क्या है अल्लाह जिनके ऊपर आपका गज़ब हुआ उनमें शामिल मत फरमा और वलद बौलिन और जो गुमराह हो गए तो ये इन जनरल भी है वरना फिर खास तौर पर इवन अगर हम लेंगे तो अक्सर मुफसरीन इसके बारे में यानी कि कोई इख्तिलाफ नहीं इस बारे में कि मकजूब से मुराद यहूद है और तमाम उन लोग जो यहूद की तरह अमल करते हैं और नसारा से मुराद यानी कि दौलिन से मुराद नसारा है और तमाम वो लोग जो नसारा की तरह अमल करते हैं अब ये सवाल पैदा होता है कि यहूद ऐसा क्या अमल करे जिसकी वजह से वो अल्लाह के मखजूब बने और नसारा ऐसा क्या अमल करे जिसकी वजह से वो दौलिन बने क्योंकि क्या बताई अभी मैं कि जो भी उनकी तरह अमल करे तो अब उसके लिए हम आपको जानना पड़ेगा कि वो क्या अमल करते थे ताकि हम वैसे अमल ना करें तो अब देखिए कि अगर हम यहूद के जो हिस्ट्री है उसके ऊपर अगर हम गौर करेंगे तो वो क्या है कि जानते बूझते सही रास्ते पर नहीं चलते थे और क्या है अब अल्लाह ताला की आयतों में तहरीफ कर देते थे हीला करने लगते थे यानी कि तहरीफ का मतलब क्या है कि चेंजेस कर देते थे बदल देते थे और क्या है एक्सक्यूजेस लाते थे कि इसके बदल ऐसा कर सकते क्या वैसा कर सकते क्या तीसरा क्या है कि वो उजैर अल्लाम को अल्लाह ताला के अल्लाह ताला का बेटा करार देते थे और चौथी चीज क्या है वो अपने उलमा को अपने रहबार जो उनके अहबार और रोहबान होते थे उन उन्हों अगर हराम को हराम बोले तो हराम मान लेते थे हलाल जो भी चीज़ को हलाल बोले हलाल मान लेते थे यानी कि उनके हिसाब से वो अपनी शरीयत को फॉलो करते थे तो अल्लाह ताला बता रहे कि जो भी ऐसे अमल करेंगा यानी कि अल्लाह ताला के रास्ते को जानने के बावजूद भी अमल नहीं करना और अल्लाह ताला की आयतों में एक्सक्यूजेस निकालना हीले निकालना और फिर तहरीफ मर्जी से अपने आप आ, बदल देना और फिर शिरक करने लगना और अपनी मर्जी से हलाल और हराम डिसाइड कर लेना

और न पढ़ते थे ना अमल करते थे सीधी रास्ते को मालूम ही नहीं करना चाहते थे कि सीधा रास्ता आखिर है क्या तो वो मालूम नहीं करना चाहते थे अब देखिए कि क्या आज ये अफसोस की बात नहीं है उम्मत मोहम्मद या भी आज इसी तरीके से जो है गुलू में गुमराहियों में और अपनी जो है यानी कि परस्तियों में शामिल हो गई हुई है और आयतों की तहरीफ कर दे रहे या फिर क्या है कि कुरान पढ़ना नहीं समझना नहीं उसकी तरफ जो जिम्मेदारी है यानी कि कुरान की तरफ जो हमारी पढ़कर उसको समझने की जो जिम्मेदारी है उसकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं दे रहे ना खुद की खुद हम उसकी तरफ तवज्जो दिए ना हम अपने बच्चों को उसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं हम बस ये समझते हैं कि काफी दुनिया की तालीम अब देखेंगे इनशाला आगे कि अल्लाह तला के, अल्ला के नजदीक जो है सबसे बड़ा जाहल कौन है वो हम देखेंगे अच्छा अभी यहां पर जब हम सुरे फातिहा पढ़ते हैं तो सुनत तरीका ये है कि हम आमीन कहेंगे क्योंकि आमीन की फजीलत है और आ, इवन, आ, आ, जब नमाज हम पढ़ेंगे तो जब हम आमीन कहेंगे और हमारी आमीन फरिश्तों से मिल जाए तो फिर हमारे गुनाह पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और आमीन का क्या मतलब है अल्लाह तला जो हमने दुआ की है इसी तरह हो या फिर हमने अल्लाह मस्तज अल्लाह मस्तज तज़िब कि अल्लाह ताला तला ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाइए तो आमीन का ये मतलब है अच्छा अभी तक हम जितनी चीजें पढ़े हैं यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा ट्रेजर हंट्स के हिंट दे देती हूँ ताकि आप अपने हिसाब से उसको जो यानी कि अब तक जितना हुआ और आगे जो आने वाला है आप उसकी हंट करना शुरू करें ठीक है तो ट्रेजर हंट के जो हिंट्स है वो डिस्प्ले कर दीजिए भाई चलिए अब देखिए आपको यहाँ पर अभी तक जो हो गया और आगे जो आने वाला है उसमें आपको ये चीजें फाइंड आउट करने का ये चार चीजें फाइंड आउट करेंगे आप पहले तो अफजल दुआ कौन सी है वो फाइंड आउट करेंगे दूसरा आप जो है अः इमेज के जरिए से आपको कोई कहीं पर लिप्स नजर आएंगे उसकी आयत नोट करने का है और बेटर और वर्ड्स की एक इमेज नजर आएगी और दो कलर्स की आपको इमेज नजर आएगी ठीक है तो ये आपको चार चीजें फाइंड आउट करने का और फिर इनशाला आपकी यहाँ पर मैं मदद के लिए मौजूद हूं मैं आपको इनशाला मदद करते रहूंगी तो चलिए ये जो था हमारा सुर फतेहा था जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ से अल्लाह तला की हमद से हमने ये सुरे को इब्तदा की थी और फिर अल्लाह तला से दुआ से हमने इसका अख्तितमाम किया वैसे भी अलहमदुल्ला के बारे में भी जो फजीलत आती है उसके बारे में कि आप सल्लाहलम ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अफजल दुआ है क्या है हदीस में आता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल जिक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना अफजल दुआ है और फिर दूसरी और एक हदीस में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ला मीजान को भर देता है क्या है अल्हम्दुलिल्लाह लाला मीजान को भर देता है और अल्लाह ताला पसंद करते हैं अपने बंदों से कि वो खाएं और पिए या जो भी काम करें वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो देखिए कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है ये तमाम जो फजीलत मिलेगी कब मिलेगी जब आप उसको दिल से बोलेंगे अल्लाह ताला तेरी तारीफ है अल्लाह तेरा शुक्र है तो क्या आज हम यहाँ पर कुरान की महफिल में बैठे हैं तो क्या ये अफजल दुआ हमको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों में हमको अगर कुरान के लिए पसंद करके हमको कुरान की महफिल में अल्लाह ताला ने बिठाया तो क्या ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल हम पर नहीं है क्या हमको इसके ऊपर अल्लाह ताला का हजारों करोड़ों दफा शुक्र करना नहीं चाहिए अल्लाह के सामने हमको आजीज़ी और इनके सारी के साथ तड़प के साथ और दिल की गहराइयों की जो है खुशी के साथ क्या हम अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे अल्लाह ताला तेरा शुक्र है तेरी तारीफ है अल्लाह मैं इतनी गुनहगार थी मैं इतनी गुनहगार थी फिर भी तूने अपने कलाम के लिए मुझे चुना फिर भी तूने आज ये महफिल में मुझे जोड़ा और मुझे कुरान पढ़ने की वो यानी कि कुरान पढ़ने वालों में हम मुझे शामिल करके वो बड़ी सदत मुझे नसीब करी अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह तो दिल से मेरी बहनों दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहिए इसके साथ अब हम जब अल्लाह ताला से इस सिरातल मुस्तकीम की जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ मेरे बंदे जब तू इतनी तरफ से मुझसे मांग रहा है कि मुझे सीधा रास्ता बता दीजिए अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता बता दीजिए तो ऐ मेरे बंदो मैं तुझे ऐसे ही मायूस नहीं करूंगा मैं तुझे सीधा रास्ता जरूर बताऊंगा ये ले ये पूरी कुरान तेरे सामने है तू चाहता था ना कि इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो यहाँ पर इनाम याफ्ता लोगों के वाकियात है लो पढ़ो इनाम याफ्ता लोग किस तरीके से इनाम याफ्ता बने क्या वजह थी कि अल्लाह ताला का उनके ऊपर इनाम हुआ कैसा उनको अंबिया की पोजीशन पे अल्लाह ताला ने फायस किया कैसा सिद्दीक शौदा और सालेह बन सकते हैं वो इसके अंदर तुम्हारा जवाब है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गजब वाले लोगों में शामिल ना करो गुमराह लोगों में शामिल ना करो लो मेरे बंदे ये पढ़ो इसके अंदर तमाम वाकयात है उन लोगों के जो मकजूब बने जो और उन्होंने क्या ऐसा अमल किया जिसकी वजह से उन्होंने वो मकजूब बने उसका जवाब तुमको इसमें मिल जाएगा और जो भटक गए जो सीधे रास्ते से गुमराह हो गए उनका जवाब इसमें मिल जाएगा तो देखिए क्या यहाँ पर शुरे बकरा में आप नोट करेंगे कि यहूद का जिक्र बहुत ज्यादा है बनी इसराइल का जिक्र बहुत ज्यादा है क्योंकि हमने दुआ की ना अल्लाह तला से हमने दुआ की कि गए दिल मकदूब तो अल्लाह तला बता रहे कि देखो मकजूब ऐसे लोग होते हैं उन्होंने ये ये अमल किया जिसकी वजह से वो अल्लाह तला के गजब के मुस्त बने तुम ऐसे अमल नहीं करना है तो यहाँ पर बनी इसराइल का जब मैं वाक्य पढ़ूंगी तो आप इस अंदाज में उसको ना ले कि अच्छा पहले के खिस्से है कहानियां नो एक भी सूरा या एक भी सूरे में एक भी आयत यहाँ पर ना स्टोरी टेलिंग के टाइप में कुछ भी नहीं है यहाँ पर हर चीज इबरत के लिए है हर चीज नसीहत के लिए है हर चीज वास के लिए है कि हम उसमें से देखें पढ़ें समझें और उससे हम अपने लिए इबरत लें अपने लिए सबक लें अपने लिए ले, लेसन लें और अपने आप को बचा लें और इनाम याफ्ता लोगों में जब जिक्र खास तौर तो पर यहाँ पर जो है इब्राहिम आलिम का ये जुज वन में जिक्र है तो हम देखेंगे कि इब्राहिम आलिम इनाम याफ्ता क्यों बने क्या सिफत थी उनके अंदर क्या वजह से अल्लाह तला ने उनको इनाम याफ्ता बनाया और फिर उनकी वो तालीमत पर इंशाला हम भी फिर अमल करेंगे ठीक है तो हम यहाँ पर आगाज करेंगे सुर बकरा से ओके अब अल्लाह तला का जवाब इसके अंदर हमको मिल जाएगा हमारा सवाल था अल्लाह का यहाँ पर जवाब हमको मिल गया क्योंकि हमने कहा अल्लाह तलादी सरातल मुस्तकीम तो सुर बकरा जो मदनी सूरत है और यहां पर ये मदनी सूरत इसके बारे में आता है कि जब मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तेरह साल के बाद ठीक है तेरह साल के बाद जब आप हिजरत करके मदीने तशरीफ लेकर गए तो वहां पर की ये सबसे पहली सूरत है ठीक है ये वहां पर ये अभी इसका मतलब ये है कि वन थर्ड ऑफ कुरान ऑलरेडी नाजिल हो चुका था तमाम मक्की सूरतें ऑलरेडी नाजिल हो गई थी अब यहाँ पर मदनी सूरतें नाजिल हो रही है और उसमें भी सबसे पहले क्या है सुर बकरी सिक्स आए हैं और फिर फोर्टी रुकू पर ये मुश्तमिल है और ये पहली मदनी सूरत है यहाँ पर देखिए सूर्य फातह पहली मुकम्मल सूरत थी मक्के की अब यहाँ पर ये मदनी सूरत है जो अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिर फरमाई बकरा का मतलब हम जानते हैं कि गाय है और इसके अंदर हमको अहकामात भी मिलेंगे और बनी इसराइल यहूद और नसारा से हमको इबरत के वाकयात भी मिलेंगे और इनाम याफ्ता लोगों के कुछ वाकयात भी यहाँ पर जिक्र होंगे जिससे इनशाला हम लोग नसीहत लेंगे और फायदा उठाएंगे तो शुरू अल्लाह के नाम से जो है रहम करने वाला है मीम अलीफ लाम मीम हरफ मुख है इसके बारे में आप सब जानते हैं कि इसके माने जो है हमको नहीं पता है अल्लाह बता रहे कुरान की इब्तदा तुम इस यानी के इकरार के साथ करो कि अल्लाह तला में कुछ नहीं जानती या अल्लाह में कुछ नहीं जानती सब कुछ आप सिखा दीजिए मैं कुछ नहीं जानती आप सब कुछ ये आजीज ही अल्लाह को बड़ी पसंद आएगी हम अल्लाह के सामने आजिज़ हो जाएंगे और फिर इसके मुताबिक हदीस भी हमको मिलती ना अलीफलामीम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलीफ अलग है लाम अलग है मीम अलग है हर लफ्स पे हर हर्फ पर आपको दस दस नहीं क्या है अलीफ पर दस लाम पर दस और मीम पर दस ये तो खैर फजीलत की बात हो गई तो यहाँ पर क्या है कि ये और इवन अच्छा यहाँ पर तो ये तो अलीफ मीम की फजीलत दूसरा क्या है सूरह बकरा की अगर हम फजीलत देखेंगे तो आप अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शातिन भाग जाते हैं और उस घर से भी नहीं बल्कि अगर हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे रोज इसके ऊपर अमल करेंगे तो हमारे दिल पर भी जो शयातीन डेरा डाल कर बैठे हुए हैं ना हमारे दिल पर तो वो शयातीन भी हमारे दिल से जो है भाग जाएंगे और हमको सीधी रास्ते की तरफ रहनुमाई खुद ब खुद मिल जाएगी इनशा इनशा तो बहरहाल बहरहाली अल, ये किताबुल दालिकल किताबारफी ये ये अल्लाह की किताब है इसमें कोई शक नहीं है शुरू में तुम ये दिल से बात निकाल दो मुतमयन होकर इसको पढ़ना शुरू कर दो इसमें कोई शक नहीं है खुद अलमत्तिन हिदायत का रास्ता मांगते थे मेरे बंदो ये ले लो हिदायत है किसके लिए है पर कंडीशन रख दी अल्लाह ताला सबके लिए आम खास नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला की जो हिदायत है थी यानी कि जो अल्लाह ताला की ये सुन्नत है अल्लाह का ये तरीका है कि जो भी कीमती चीजें होते हैं ना अल्लाह ताला उसको ना यूं यूं आम बाजार में नहीं रख देता ठीक है जिस तरीके से आप देखिए मोती कहाँ मिलेंगे आपको समंदर की तह में आपको मिलेंगे सीपी के अंदर छुपे हुए आपको मिलेंगे जितने भी प्रेशियस जो स्टोन है मादनियात है वो आपको जमीन के अंदर या पानी के अंदर आपको मिलेंगे यानी कि अल्लाह ताला जो चीज कीमती होती है ना उसका एक्स जो है बहुत कॉमन ने रख देता उसी तरीके से अल्लाह ताला बता रहे ये हिदायत की किताब है पर ऐसा अल्लाह ताला फ्री बांटेंगे नहीं जो भी तालिब रहेगा जो भी आ, उसको डिजर्व करते रहेगा उसको अल्लाह ताला हिदायत देंगे तो यहाँ पर क्या अल्लाह ताला बता रहे कि तुम पहले मुतकी बनना है तुमको अपने तड़प अंदर पैदा मुतकी क्या है यहाँ पर इन कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो ये तड़प अंदर पैदा करो कि अल्लाह ताला मुझे बचा ले मुझे मकजूब से बचा ले दौलिन से बचा ले और मुझे जहनुम से बचा ले तेरे गजब से तेरी नाराजगी से मुझे बचा ले तो ये तड़प जब इंसान के अंदर पैदा होती है तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर आगे बता रहे हैं और उनकी सिफत भी कुछ बताई गई है कि वो क्या करते हैं उन परहेजगारों के लिए जो गैर परीमा लाते हैं नमाज कायम करते हैं जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं और फिर जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कि कुरान और जो किताबें तुमसे पहले तमाम इल्हामी जो किताबें थी उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर ईमान नहीं बल्कि यकीन रखते हैं सिर्फ ईमान काफी नहीं है बल्कि आखिरत पर यकीन रखते हैं तो देखिए कि अब यहाँ पर मुतकी की सिफत पूरी बता दी गई है और खास तौर पे उसमें मैं ये बात पर हाईलाइट करना चाहूंगी रमजान भी आने वाला है कि जो रिस्क हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं बहनों खर्च करने का महीना आ रहा है खर्च तो सार... सारा साल करने का है पर खास तौर तो पर रमजान में तो इसका खूब तेजी से अहतमाम करेंगे जैसा आंधी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वैसा हम भी करेंगे और फिर आगे आप सल्ला यहाँ पर आगे कुरान में बताया जाता है उलाई का अला हदम यही लोग हिदायत पर है हिदायत मांग रहे थे ये लोग हैं हिदायत पर उलाई का हु मुफली होन और यही फला पाने वाले हैं तो अब जान लिए आपके फला पाने वाले कौन है जान लिए फला पाने वाले कौन है याद रख लीजिए कि ये फला पाने वाले लोग कौन है? जो हैं जो गैर पर ईमान लाते हैं जो नमाज कायम करते हैं जो इन फी सभी लीला करते हैं कुरान और पहले की किताबों पर लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं यही लोग हिदायत पर है और यही लोग फला पाने वाले हैं अच्छा ठीक है अब यहाँ पर देखिए कि कुछ देर के बाद इंशाल्लाह एक आपके सामने एक गेम आएगा तो थोड़ा सा फोकस रहिए अच्छा फिर आगे अल्लाह ताला आयत नंबर में फरमाते हैं जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि कुफर कर लिया, उनके लिए एकसा है उन्हें खबरदार कर, करो या ना करो बहरहाल वो मानने वाले नहीं है कौन जो काफिर है चाहे उनको अच्छे से डराओ या नहीं डराओ आयतें पढ़कर सुनाओ या नहीं सुनाओ वो जो है जानने वाले वो मानने वाले नहीं है अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है ठप्पा लगा दिया है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है अल्लाह अकबर तो देखिए कि काफिर के बारे में क्या है कि उनके दिलों पर कानों पर आंखों पर मोहर लगा दी है और वो सख्त सजा के मुस्तक है उनके लिए अदाबन अजीम का अल्लाह ताला की तरफ से वादा है बाज लोग ऐसे हैं ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह तला पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए बाज़ लोग क्या कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए ये कौन लोग हैं आप बताइए ये कौन लोग है ये मुनाफिक है मुनाफिक की बात चल रही है कि अभी अगर अगर ये इतना हिस्सा अगर मैं पढ़ूंगी तो इसमें तो क्या समझ में आ रहा है अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान अरे हाँ तो ये तो मोमिन हो गए ना नहीं आगे अल्लाह ताला बता रहे हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है वो अल्लाह पर ईमान लाने वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं अब पहले जिक्र किसका हो गया जिक्र हो गया सेकेंड जिक्र किसका हो गया काफिर का जिक्र हो गया थर्ड जिक्र किसका हो गया मुनाफिक का जिक्र हो गया एक और एक, एक जिक्र आगे आने वाला है आपको अटेंटिव रहना है तो अल्लाह ताला बता रहे कि वो क्या है ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं मगर दरअसल खुद अपने आप को ही वो धोखा दे रहे हैं धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें उसका शऊर नहीं है सबसे अफसोस की बात क्या है कि मुनाफिक जो रहता है वो अपने निफाक के बारे में शऊर नहीं रखता तो अब आपसे और मेरे से अपने आप से पहले और आपसे जो है ये सवाल है कि क्या मैं ईमान वाली हूँ या मैं मुनाफिक हूँ हमारे दिल से जवाब ये आएगा कि नहीं मैं तो ईमान वाली हूँ भाई क्यों मुनाफिक क्यों हूँ तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि वो शऊर नहीं रखते कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और मेरे अंदर कहीं ना कहीं निफाक आ रहा है कहीं ना कहीं जो है ये दिल की जो बीमारी है वो आ रही है और हम उसका शऊर ही नहीं रख रहे हैं। तो हमको पहले अपने यानी कि जब ज, ज, होता ना अंदर कुछ बीमारी होती है तो उसको हमको जानना है पहले तो डायग्नोस होना है अगर सही से डायग्नोस होगा तो इलाज हो सकेगा तो हमेशा मुनाफिक की जब बारी आती है तो मैं तो अपने कान बड़े खड़े कर लेती हूँ आपसे भी मैं गुजारिश करूंगी कि आप भी अपने कान बड़े खड़े कर लीजिए क्योंकि क्या है कि ये ऐसी चीज है जो अस्सा से दिलों के अंदर आ जाती है ये ऐसी बीमारी है कि बीमार को मालूम ही नहीं होता कि वो इस बीमारी में मुबतला है तो लिहाजा हमको क्या करने का है बहुत ही कॉशियस रहने का है कि कहीं ये बीमारी मेरे अंदर तो नहीं आ जा रही है अल्लाह तला बता रहे इल, आ, क्या है वमा वमा इल्ला फी कुलूबिहिम मरज उनके दिलों में मरज है फजादहुम अल्लाहु मरदा और अल्लाह तुन उनके मरज को और भी बढ़ा देता है वलहुम अजाबुन अलीम कि आ, वो उनके लिए दर्दनाक अजाब है बीमा कानू य वज, इस वजह से कि वो झुटलाते हैं क्या है वो झुटलाते हैं इनके दिलों में ऐसी बीमारी है तो अब क्या है कि वो क्योंकि इलाज अगर हम इंसान करना चाहता है इलाज तो फिर वो बीमारी से दूर हो सकता है पर जब इंसान इलाज नहीं करना चाहे तो और देखिए कि मुनाफिक इतनी खतरनाक बीमारी है हिपोक्रेसी इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसके बारे में आप अल्लाह ताला कुरान के अंदर काफिर के ऊपर उतना जो है बरहम नहीं होते हैं उतना नाराज और गुस्सा नहीं होते हैं जितना मुनाफिक पर होते हैं मुनाफिक के लिए सबसे निचला गड़ा दरकिल अल्लाह तला ने बताया है Right? और फिर क्या है ये अंदर जाहिरी तौर पे मुनाफिक बोलेंगे जो तो जाहिरी तौर पर ईमान लाए सामने तो बोले हम मुसलमान हैं हम कलमा पढ़ने वाले लाई लल्ला मेरा नाम आयशा है मेरा नाम तो फातिमा है तो फिर नाम से मुसलमान है जबान से मुसलमान है पर अमल से अमल से काफिर है यानी कि मुनाफिक वो है जो जाहिर अतबार से मुसलमान है और अंदर से वो एक्चुअली उसका ईमान मुकम्मल नहीं है तो इसीलिए अल्लाह ताला बता रहे वो झूठ बोलते हैं जबानों से कलमा पड़े पर असल में दिल उनका कलमे को मान रहा नहीं है इसकी पादाश में इनके लिए दर्दनाक साब है जब कभी उनसे कहा जा गया कि जमीन में फसाद बर्पा ना करो अब देखिए यहाँ पर उनकी क्वालिटीज बताई जा रही है मुनाफिक की क्वालिटीज बताई जा रही है पहली क्या बताई जा रही है कुरान की रोशनी में वो फसाद बरपा मत करो तो वो क्या कहते हैं अरे हम तो इसलाह करने वाले हैं यानी कि वो फसाद को इस्लाह का नाम देते हैं खबरदार हकीकत में यही मुफसिद है मगर उनको शऊर नहीं है यानी कि वो आईस् से फसाद कर रहे हैं इसलाह के नाम पर यानी कि अच्छाई के नाम पर बुराई फैला रहे हैं और उनको उसका एहसास भी नहीं है और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान लाओ तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाए बेवखूफों का क्या मतलब है यानी कि साहबा उनके नज़दीक बेवकूफ लगते थे क्यों बेवकूफ लगते थे साहबा उनके साहबा को वो बेवकूफ क्यों समझते थे कि वो ये सोचते थे ये क्या बेवकूफ है अपनी मेहनत से कमाया हुआ माल खर्च कर दे रहे अपनी जान अल्लाह की राह में लुटा दे रहे और अपने बीवी बच्चों को पीछे छोड़कर जिहाद में निकल जा रहे ये कैसी बेवकूफ़ी है तो उनको क्या है कि अल्लाह की राह में जद्दोजहद बेवकूफ़ी नजर आती है क्या आज हम अपने आप से सवाल पूछें क्या इसी तरीके से आज हमको भी नज़र आता है कि के ईमान वाले जो मोमिन होते हैं जो दीन की राह में स्ट्रगल और जद्दोजहद करते हैं उनको क्या हम बेवकूफ़ समझते हैं क्या आज क्या हम ये नहीं कहते कि अरे ये क्या मुल्ला बने हुए हैं ये क्या पीर बने हुए हैं ये क्या बुजुर्ग बने हुए हैं ये क्या सरों पे दुपट्टे लेकर बैठे हुए हैं क्या एजुकेशन हासिल नहीं करने का ये क्या दीनदारी का इल्म हासिल करे तो असल एजुकेशन है आज दुनिया में अगर रहना है तो ये दुनिया की तालीम हासिल करो और सिर्फ दुनिया की तालीम पर वो जो है तवज्जो देते हैं राइट तो फिर ऐसे जो मुसलमान आज जो दीन की राह में जद्दोजहद कर रहे वो हमको बेवकूफ नजर आते हैं तो ये किसकी अलामत है ये निफाक की अलामत है ये मुनाफिकत की अलामत है तो हम आपको इससे बचना है खबरदार हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ हैं, मगर ये जानते नहीं क्योंकि ये बेवकूफ़ी क्या करे आखिरत का नुकसान कर ले रहे जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो क्या कहते हैं हम ईमान वाले हैं और जब अलीदगी में अपने शातीन से यानी कि अपने दोस्तों से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं असल में तो हम आपके साथ हैं यानी कि मुसलमानों से मिले तो मुसलमान की तरफ और फिर गैर से मिले तो उनके जो है हम बटोरते हैं असल अः में तो हम तुम्हारे साथ हैं और इन लोगों से महज हम मजाक कर रहे हैं उनको जाके जो बोल रहे हैं ना हम असल तो उनको बेवकूफ़ बना रहे मजाक कर करे अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है अल्लाह कर रहा है इनसे मजाक और इनकी रस्सी ढील दे रहा है दराज किया जाता है यानी कि रस्सी अल्लाह ताला बोल रहे हैं अच्छा मनमानी करना है कर लो कर लो जितनी ये जो है मनमानी करना है तुम कर लो और अपनी सरकशी में वो अंधे अंधों की तरह भटके चले जा रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली ये कौन लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले कितना बेवकूफी का सौदा है सोच के देखो जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली मगर ये सौदा इनके लिए कोई नफा बख्श नहीं और ये हरगिज सही रास्ते पर नहीं है इनकी मिसाल अब देखिए अल्लाह ताला यहाँ पर मिसाल से हमको समझा रहा है क्यों समझा रहा है मिसाल से आपको और मुझे अल्लाह ताला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं इतनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अंदर से ये निफाक को निकाल कर फेंकना चाह रहे अल्लाह ताला हमारे अंदर से ये कुफ्र को निकाल कर फेंकना चाह रहे तो अब हमारे को सादे अल्फाज में जब नहीं समझ में आ रही अच्छा ठीक है तुम एक मिसाल से समझ लो जैसे हम बच्चों को समझाते ना अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्यार से मोहब्बत से ताकि किसी हद तक हम अपनी कोशिश करते कि हमारा बच्चा जो है फायदे में रहे नुकसान से बच जाए राइट? उसी तरीके से अल्लाह ताला तो तलांतहा हमसे मोहब्बत करने वाला है अल्लाह ताला ने तो शुरू में ही बता दिया कि अल्लाह रहमान है अल्लाह रहीम है तो अब देखिए ये रहमत की क्या है कि मिसाल यहाँ पर मिसाल के जरिए से अल्लाह ताला दे रहे हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसा एक शख्स ने आग रोशन की और उस जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ताला ने इनके नूर बसारत यानी कि देखने की जो आ, द, आ, क्या बोलेंगे सलाहियत थी उसको अल्लाह ताला ने निकाल लिया और उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि अंधेरों में उन्हें कुछ नजर नहीं आता है ये बहरे हैं क्या हैं ये, ये ये बहरे हैं ये गूंगे हैं ये अंधे हैं ये अब नहीं पलटेंगे ये बहरे हैं गंगे अंधे हैं सुम बुकमन अम्युन फुम लाज अब ये पलटने वाले नहीं है तो देखिए कि अल्लाह ताला क्या बता रहे कि उनकी मिसाल क्या है कि जिस तरीके से अगर एक अंधेरे रूम में है वहां पर फिर जब लाइट आ गई तो आपको सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाते पर अगर इंसान की आंखों की जो बिनाई है आंखों की देखने की सलाहियत है अगर वो ही खत्म हो जाए तो अतराफ कितनी बड़ी रोशनी क्यों ना हो उसको नजर नहीं आएगा तो ये मिसाल एक्चुअली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि रोजे रोशन की तरह हिदायत लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए पर अगर इंसान खुद आंखें बंद कर ले तो फिर हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको नजर नहीं आएगी राइट उसको नजर नहीं आएगी तो ये मिसाल अल्लाह ताला क्या बता रहे कि यहाँ पर ये जो मिसाल है अल्लाह ताला एक काफिर की और एक मुनाफिक की अल्लाह ताला दे रहे हैं क्योंकि जब इसमें बताया जाता है रिवायत में कि देखिए आंसर्स आपको एक साथ देने का अगर आप अभी देंगे तो कोई फायदा नहीं है एक साथ आपको आयत नंबर नोट करना है और आयत नंबर एक्चुअली आंसर है आपका आयत नंबर नोट करके आखिरी में आयत आंसर uh, आप देना शुरू कर दीजिए जैसा आपको फिफ्थ वाला हिंट मिलेगा ना तो फिफ्थ में आपको पूरे पांच केस एक साथ भेजना है आयत नंबर के साथ ठीक है चलिए बैक टू क्लास बिस्मान रहीम तो अब देखिए कि यहाँ पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके गए ना तो मदीने में बहुत सारे लोग क्या करे सारे लोगों को देख के देख के देख के तुम भी ला रहे हैं तुम भी ला रहे हैं चलो हम भी ईमान ला लेते ऐसा होता ना अक्सर लोग क्या है देखा देखी में चीजें कर लेते हैं एक्चुअल में दिल से तड़प से वो चाहते नहीं है तो लोग ईमान ला कर आए पर जैसे उनको दिखा कि यहाँ पर तो सैक्रिफाइसेस भी डिमांड की जा रही है यहाँ पर तो सैक्रिफाइसेस भी करना पड़ेगा तो तब वो क्या करे बैक ऑफ हो गए और तब वो जो है पीछे हट गए जबान से ईमान लाए और आजमाइशों में पीछे हट गए तो अल्लाह ताला यहाँ पर उनकी मिसाल दे रहा है फिर उनकी मिसाल यूं समझो कि आसमान से जोरदार जो है कुरान की बारिश हो रही है कुछ चीजें मैं इजाफा करूंगी ताकि आपको मिसाल को समझ में आ जाए और कुछ जोर से बारिश हो रही है जैसा गोया आसमान से वही नाजिल हो रही है और इसके साथ अंधेरे घाट घटा और कड़क और चमक भी है जैसा यानी कि कुरान के साथ ईमान के साथ आजमाइे भी लगी हुई है ये बिजली के कड़क सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं यानी कि वो ये नहीं चाहते कि उनको कोई सैक्रिफाइस वाली बात सुने आए और अल्लाह ताला इन हक को हर तरह, हर तरह तरफ से घेरे घेरे में लिए हुए हैं चमक से उनकी हालत ये हो रही है कि गोया यानी कि जो बिजली की चमक है गोया बिजली की चमक उनकी बसारत उचक ना ले जब जरा कुछ रोशनी उन्हें महसूस होती है यानी कि आसानी दिन में जब आसानी आती है तो वो उसमें दौड़ चलते हैं उसमें दूर जो है वो चल चल लेते हैं और जब जैसे उनमें अंधेरे आ जाते हैं यानी कि आजमाइश आती है तो वो क्या है खड़े हो जाते हैं तो आपसे आप और मैं हम एक दूसरे से क्या है हम अपना जायजा लेंगे हम अपने आप से ये सवाल करेंगे कि क्या मैं ऐसा करती हूँ कि जब कुरान की आसान आसान जो बातें हैं उसके ऊपर अमल कर लेती हूँ और कुरान की जो मुश्किल बातें हैं जो मुझे मुश्किल लगती हैं कुरान की बातें तो मुश्किल नहीं है पर जो मुझे मुश्किल लगती है जो मेरे नफ्स के खिलाफ जाती है क्या मैं उसे छोड़ देती हूँ क्या मैं हम अपने आप से यह सवाल करना है ना कि क्या मैं भी इसी तरीके से कहीं निफाक पर अमल तो नहीं कर रही हूँ तो हम अपने आप से ये सवाल करेंगे अल्लाह ताला चाहता तो इनकी समात और बसारत बिल्कुल सर्व कर लेता यकीनन वो हर चीज पर कुदरत रखता है अब यहाँ पर सबसे पहला हुक्म कुरान का आ रहा है सबसे पहला हुक्म कुरान का यहाँ पर आ रहा है अब तक तमाम जो बातें हुई अल्लाह ताला तीन कैटेगरीज का जिक्र करें कौन से कौन से तीन कैटेगरीज है जरा मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी कि अल्लाह तला तीन कैटेगरीज की यहाँ पर बात करें चौथी आगे आने वाली है तीन कैटेगरीज का जिक्र आप बताइए कौन से कौन से हैं एक सबसे पहले अल्लाह की बात करें ठीक है सेकेंड फिर अल्लाह तला काफिर की बात करें और थर्ड अल्लाह तला मुनाफिक की बात करें ठीक है उसको मिसालों के जरिए से फिर अल्लाह तला ने समझाया अब उसके बाद यहाँ पर एक हुक्म आ रहा है और वो हुक्म क्या है वो देखने से पहले हम एक छोटी सी एक एक्टिविटी कर लेते हैं कि आपके सामने यहां पर एक पैराग्राफ डिस्प्ले किया जाएगा वो पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसके सवाल किए जाएंगे और वो सवाल को आपको जवाब देने का है ठीक है तो पैराग्राफ थोड़ा सा डिस्प्ले कर दीजिए और आपको आंसर आप पैराग्राफ में से देखेंगे और आंसर फटाफट से पूरे एक साथ आप जो है आ, आंसर करेंगे <coughs> चलिए भाई जल्दी से डिस्प्ले कर दीजिए लेट्स चैलेंज आर मेमोरी ओके okay, यहाँ पर रीड द पैसेज आपको पैसेज दिया गया आपको रीड करने का है कुरान अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत है परहेजगार लोगों के लिए जो गैर पर ईमान लाते हैं नमाज कायम करते हैं और अपने रिस्क में से खर्च करते हैं किताबों पर ईमान लाते हैं आखिरत पर ईमान रखते हैं ऐसे लोग फलाह पाने वाले हैं ओके ये आपका पैसेज हो गया अब आपके सवालत है क्वेश्चन डिस्प्ले कर दीजिए अल्लाह की किताब डैश है किताब से क्या हासिल करना है परहेजगार लोग डैश कायम करते हैं और अपने डैश में से खर्च करते हैं इन लोगों को डैश हासिल होगी चलिए जल्दी जल्दी अल्लाह की किताब किताब से क्या हासिल करना है गुड माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड ठीक है गुड इसी तरीके से आपको आंसर करना है करने का है चलिए तो अब ये एक्टिविटी के बाद हम वापस अपने आ, आयत की तरफ आते हैं आयत नंबर ट्वेंटी वन में क्या बता रही थी मैं एक हुक्म दिया जा रहा है क्या हुक्म है लेटसी या ए लोगो ए तमाम इंसानियत से अल्लाह ताला मुखातिब करे ओ बधी खुम इबादत करो किसकी अल्लाह ताला बोल रहे इबादत करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुम सब तुम सबसे पहले लोगों को लोग जो गुजर चुके हैं उन सब का खालिक है उसकी इबादत यहाँ पर तोहिद की दावत दी जा रही है ये सबसे पहला हुक्म अल्लाह ताला, ताला दे रहे हैं आपके लिए और हमारे लिए और तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह ताला दे रहे हैं और तुम्हारे बचने की तवखा इसी सूरत में हो सकती है कि जब तुम अल्लाह को खालिफ लोगे अल्लाह की तोहिद के ऊपर तुम इबादत करने पर तुम लग जाओगे तब फिर तुम बच सकते हो तब तुम क्या है अपने आप को जहनुम से बचा सकते हो वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया वो अल्लाह ताला कौन है जिसकी हमको इबादत का हुक्म दिया जा रहा तब यहाँ पर देखिए वही तो अल्लाह ताला है जिसने जमीन को फर्श बिछाया आसमान को छत बनाई ऊपर से पानी बरसाया इसके जरिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिस्क बहम पहुंचाया पस, पस, जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह ताला का शरीक ना ठहराओ अल्लाह ताला का मद्दे मुखाबिल ना ठहराओ जब तुमको मालूम है कि सब चीजें देने वाला अल्लाह है तो कैसा तुम किसी और की इबादत कर सकते हो और अगर तुम्हें इस अमर में कोई शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारा हमारी है या नहीं तो इसके मानें, इसके मानें एक ही सूरत बना लाओ अगर तुम शक है ना एक सूरत बना लाओ अपने सारे हम नवाओं को अपने सारे सपोर्टर्स को तुम बुला लो एक अल्लाह को छोड़कर और बाकी जिस जिसको चाहो तुम मदद के लिए बुला लो अगर तुम सच्चे हो तो ये काम कर कर दिखाओ अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर और अगर तुमने ऐसा नहीं किया और यकीनन ऐसा कर भी नहीं सकते ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह का जो कलाम है वो एक इंसान लेकर आए तो डरो तो फिर क्या करो डरो जब तुम ये नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन जिसका फ्यूल बनेंगे इंसान और पत्थर जो मुहैया कर रख गई है ने हक़ के लिए और ए अलैहि वसल्लम जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और उसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी यहाँ पर क्या है अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जो किन के लिए नहरे हैं जरा थोड़ा सा आयत में देख बताइए मुझे कि किन के लिए नहरे हैं जो ईमान लेकर आए और जो अपने अमल को दुरुस्त कर लें उनके लिए बाग हैं उनके लिए नहरें हैं और इन बागों में ऐसे फल दिए जाएंगे जो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे और उनके लिए फिर जो फिर जब वो ये फल दिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल हम दुनिया में दिए जाते थे और उनके लिए वहां पर पाकिजा बीवियां हैं और वो वहां हमेशा रहेंगे खालिदून का क्या मतलब है हमेशा हमेशा वहां पर रहने की जगह है वहां से फिर कभी नहीं निकलने का है तो ये अचीव करना है तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा मेहनत भी करना पड़ेगा क्योंकि देखिए कि जन्नत में जब जन्नती चले जाएंगे जहान में जब में चले जाएंगे तो क्या होगा ऐलान ए जन्नतियों ए जहनमियों इसमें तुमको क्या करना है हमेशा रहना है यहां से कभी निकलना नहीं है यहीं पर फॉर एवर की तुमको जिंदगी दी जाएगी और वो जन्नत कैसी है वो ऐसी खूबसूरत जन्नत है ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुना और ना ही आ, किसी इंसान के दिल में उसका गुमान ही गुजरा ऐसी वो जन्नत है तो उसके लिए क्या है आपको और मुझे क्या हरीस नहीं बनना चाहिए हमको इसके लिए बहुत ज्यादा हरीज बनना चाहिए उसके लिए मेहनत और कोशिशें करना है और फिर अल्लाह तला बता रहे हाँ अल्लाह अल्लाह उससे पर उससे हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी हकीर किसी चीज की मिसालें बयान करें जो लोग हक हाँ बात को कबूल करने वाले हैं वो उन्हें उन्हीं तमसीलों से वो इन्हीं तमसीलों को देखकर जान लेते हैं यानी कि जो जिसके दिल में हक़ हाँ को कबूल करना है जो चाहते हैं हिदायत तड़पते हैं हिदायत के लिए जिसका दिल हिदायत के लिए तड़पते रहता तो वो क्या करते हैं जैसा अल्लाह तला कोई एग्जाम्पल देते ना उसमें जल्दी से जो है वो पढ़ते हैं उसको गौर करते हैं समझते हैं और अपने लिए लेसन लेते हैं और जो जिसको हिदायत नहीं चाहिए उसके अंदर टेढ़े बिंगे बातें उसके अंदर निकालते हैं उसी का जिक्र अल्लाह ताला यहाँ पर करें वो इन्हीं तमसील को देख कर जान लेते हैं कि ये हक है हक है जो इनके रब ने इनकी तरफ इन इनके रब ही की तरफ से आया है और जो मानने वाले नहीं हैं, वो उन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से ऐसे एग्जाम्पल से अल्लाह ताला को क्या सरोकार रोका है अल्लाह ताला क्यों ये मच्छर की मक्खी की ऐसी एग्जाम्पल दे रहा इस तरह अल्लाह ताला एक ही बात से बहुतों को गुमराह कर देता है यानी कि एक एग्जाम्पल एक से कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं अपने लिए गुमराही जो है ऑप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत सारे लोग इससे राह रास् पर आ जाते हैं यानी कि एक ही चीज़ लोगों के लिए लुधिल्लू भी ही कसीरा का सबब बनती है और बहुत से लोगों के लिए वह याहदी भी ही कसीरा का सबब बनती है और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है और अल्लाह तला ये बात बहुत ही क्लियरली बता दे रहे इंसान ये ना सोचे कि अरे भाई अल्लाह तला गुमराह करे तो हमारा क्या गलती है अल्लाह तला बहुत ही क्लियर बता दे रहे अल्लाह नहीं करते गुमराह अपने से इल्ला, क्या है इल्ला अल्लाफासि मगर जो फासिक है अब यहाँ पर फोर्थ कैटेगरी का जिक्र आ रहा है अब ये फोर्थ कैटेगरी जो फासिकीन की बताई जा रही है तो यहाँ पर मुतकी हो गया काफिर हो गया मुनाफिक हो गया फासिक कौन है भैया फासिक अल्लाह ताला आगे उसका जिक्र करते हैं ये वो लोग हैं कौन है, है? अल्लाह के अहद को मजबूती से बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं क्या करते हैं अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं जो कलमा है, पढ़कर हम अहद लिए जो हमारी अरवा से अलस किया गया कि अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करेंगे और जो अल्लाह तला की रसूल जो किताब की तालीमत हमारे पास लेकर आएंगे अल्लाह तला हम उसके ऊपर अमल करेंगे ये हम जो है अल्लाह तला से वादा करे हुए हैं और हम क्या है उसको फिर भूल कर तोड़ देते है तो अल्लाह तला बता रही ये कौन है ये फासिफे हैं जो ऐसा करते हैं और अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं यानी कि किसको जोड़ने का हुक्म दिया जो भी जैसा रिश्तेदारी है उसको जोड़ने का हुक्म दिया उसको काटते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं तो फासिक की क्या तीन सिफत बताई गई है अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं जिसको जोड़ने का हुक्म दिया है उसको काटते हैं और जमीन पर फसाद करते हैं तो इनका अंजाम क्या है हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं क्या है हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं अब देखिए कि नेक्स्ट स्लाइड चार कैटेगरीज का जिक्र हुआ पहले मुतकीन जो क्या होंगे उलाई का उमुल मुफ्लिहों, वो फला पाने वाले हैं सेकेंड कैटेगरी काफिर लहुम अजाबलीम उनके लिए दर्दनाक उनके लिए क्या है सॉरी बड़ा अजाब है उनके लिए बहुत अजीम जो है अजाब है मुनाफिक उनके लिए लहुम अजाब नलीम उनके लिए दर्दनाक अजाब है और का फासिफ उलायकिर खसारा पाने वाले हैं फासिफ क्या है आखिरत में दुनिया में खसारा पाने वाले हैं तो ये चार कैटेगरीज हम पढ़ लिए तुम अल्लाह तला के साथ अब देखिए कि ये चार कैटेगरीज में हम आपको किसमें होना है और किस में नहीं होना है जल्दी से बताइए में हमको शामिल होने की कोशिश करना है और अपने आप को बचाना है काफिर मुनाफिक और फासक से राइट तुम अल्लाह ताला के साथ कुफर का रवैया कैसे करते हो हालांकि तुम बेजान थे तुम क्या थे कुछ भी नहीं थे बेजान थे उसने तुमको जिंदा जिंदगी अता की स्लाइड चेंज कर दीजिए जिंदगी अता की फिर वही तुम्हारी जान सल करेगा फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदा कर कर जिंदगी अता करेगा फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है कुछ भी नहीं थे दुनिया में लाए दुनिया के बाद मौत आएगी मौत के बाद वापस जो है पलट कर जाने का है और अल्लाह ताला के पास रुजू करना है वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और सात आसमान इस्तवा करे यानी कि अल्लाह ताला क्या करे जमीन आसमान यानी कि जमीन बनाए और उसके बाद सात आसमान बनाए और सात आसमान के बारे में क्या आता है पता है एक आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान पांच सौ साल की मुसाफत है यानी कि फाइव हंड्रेड ईयर्स का डिफरेंस है फाइव हंड्रेड इयर्स का और फिर क्या है कि ए आ, इस तरीके से कितने आसमान है सेवन आसमान है और जिस तरीके से सूर्य तलाक में आता है कि जितने आसमान है उतनी ही जमीने भी अल्लाह तला ने बनाई है उसके बाद अल्लाह तला अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ यानी कि अल्लाह तला अर्श पर जलवा फरमा हुए और फिर हम जानते हैं ना अल्लाह तब आते हैं अर्श से जमीन पर कब आते हैं अल्लाह तला सॉरी जमीन पर सॉरी आसमान जमीन पर आ, जो है दुनिया के आसमान पर कब आते हैं के टाइम पर, राइट? के टाइम पर, पर अल्लाह ताला आते हैं और आकर अब ये जो अल्लाह ताला का अर्श पर और आसमान दुनिया पर जो आना है ये हदीसों से साबित है और इसमें हम खूब कसरत से दुआ करना है चाहे अल्लाह तला, तला अर्श पर है तब भी हमारी सुनता है सो, सोचिए कि अगर और हमसे करीब आ जाए तो कितनी ज्यादा हमको अल्लाह ताला का महसूस करना है और अल्लाह ताला से खूब खूब क्या है फिर दुआएं भी करने का है और अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म भी रखते हैं चाहे आसमान पर हो चाहे आसमान दुनिया पर हो चाहे अर्श पर हो हर चीज का इल्म अल्लाह ताला रखते हैं और फिर उसके बाद अब यहाँ पर आयत नंबर थर्टी से अल्लाह ताला आदम जो दुनिया में यानी कि वजूद हमारा किस तरीके से वह अल्लाह बता रहे इज़ खलीफा के फिर जरा उस वक्त का तस्वूर करो जब तुम्हारे रब ने हमको तस्वर करने का हुक्म दे रहे आपको और मुझे फौरी तस्वुर के जो है जो मोड में चले जाना है और तस्वर करने का है कि इमेजिन करना है कि तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था क्या कहा था कि मैं इंसान मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं अब यहाँ पर देखिए कि सवाल आपसे मैं ये करूंगी कि अल्लाह बोल रहे कि जमीन का एक खलीफा बनाने वाले हैं कब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले कुछ लोग क्या बोलते आई अल्लामिया जो है यानी कि हम को हम हमेशा जन्नत में रहते थे अगर, आ, आदम फल नहीं खाते थे नहीं आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ही गया किसके लिए जमीन के लिए तो अल्लाह ताला बता रहे कि जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ उन्होंने अर्ज किया क्या कि आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर करने वाले हैं जो इसके इंतजाम को बिगाड़ देगा यानी कि फरिश्तों ने जवाब दिया और जो खनरेजियां करेगा आपकी हमद के लिए सना के लिए तस्बी और तकदीस के लिए हम तो मौजूद हैं फरमाया मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते क्या है खलीफा किस वजह से अल्लाह ताला बना ले वो अल्लाह ताला को मालूम है उसके पीछे हमत इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम आ, सलाम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए फिर उन, उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के तकर तकर से, से इंतजाम बिगड़ जाएगा तो जरा इन चीजों के नाम बताओ उन्होंने अर्ज किया कौल सुबह क्या है कौल सुबह ना इलाम आलम तना ये हमारी दुआ है देखिए कि क्या है कि आ, हम भी ये अल्लाह तला से हमेशा इसी तरीके से दुआ करेंगे कि अल्लाह उन्होंने कहा कि पाक है तो पाक तो सिर्फ और नक्श से पाक तो सिर्फ आप ही की जात है हम तो बस इतना इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाले वाला आपके सिवा कोई नहीं है ये कौन कह रहे हैं ये फरिश्ते कह रहे हैं फिर अल्लाह ताला ने आदम से कहा तुम उन्हें इन चीजों के नाम बताओ जब इसने उनको सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं आसमानों और जमीन की वो सारी हकीकतों को जानता हूँ जो तुमसे मख् है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तो जो भी वो भी मुझे मालूम है और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूं फिर फिर क्या हुआ फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुक जाओ अब यहाँ पर क्या है हुक्म है अल्लाह ताला के हुक्म को मानना है आदम अल इस्लाम के सामने झुक जाओ सब झुक गए सिवाय इब्लीस के इबलीस ने इनकार किया वो अपनी बड़ाई के घुमंड में उसने वस्तक बरा वो तकबर किया घुमंड में पड़ गया और नाफरमान लोगों में शामिल हो गया तो अब कि एक तो अल्लाह के इनकार करना और दूसरा तकबर करने से इंसान क्या बन जाता है वकाना मिनल का बन जाता है और फिर अल्लाह ताला ने वना या आदम उसकन अंतर झुकल जरना कि फिर हमने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ फरागत जो चाहो वो खाओ मगर मगर क्या मगर है हाँ क्या है कि वला वाला तक जराता फू मिन कि इस दरख्त के दर के करीब नहीं जाना उसका रुख नहीं करना वरना जालिमों में शामिल हो जाओगे यानी कि अल्लाह तला सब की इजाजत दे दिए सिवाय एक जो है डोंट के एक जगह नहीं जाना है ममन दरख्त के करीब नहीं जाना है आखिरकार शैतान ने उन दोनों को इस दरफ के दरफ की तरगीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवाकर छोड़ा जिसमें वो थे हमने हुक्म दिया अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो यानी कि अल्लाह ताला बोले कि तुम जब उन्होंने फल खा लिया तो अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल दिया और तुम्हें एक खास वक्त तक क्या करना है जमीन में ठहरना है और वहीं गुजर बसर करना है उस वक्त आदम आदमी ने अपने रब से चंद कलीमात सीख कर तोबा की आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ नादिम हुए और अल्लाह ताला को बोले कि अल्लाह ताला मैं नादिम हो फिर अल्लाह ताला ही ने सूरह आराफ की जो है ज़लमना अनफुसना वाली दुआ सिखा दी फिर आदम ने उस दुआ से तौबा की अल्लाह ताला ने उनकी फिर तौबा भी कबूल फरमा ली जिसको इसके रब ने कबूल कर लिया क्योंकि वो बड़ा माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है तो अब एक इंसान जब गलती करता है, तौबा करेगा, पलटेगा, तो हम क्या है हमारे गुना को माफ करेंगे हम भी आदम की है। आप ने कुलु बनी आदम खत्ता सारे बनी आदम क्या है? खताकार हैं पर जिस तरीके से हमारे बाप ने खता की है माँ ने खता की है पर बेहतरीन खताकार वो है जो आदम अलम ही की तरह तोबा कर पलटता है फिर उसके बाद हमने कहा तुम सब यहां से उतर जाओ फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुंची यानी कि अल्लाह की तरफ से गाइडेंस किताब कुरान पहुंची तो फिर मेरी हिदायत की अगर तुम पैरवी करोगे तो किसी खौफ और गम के अ, का मौका तुमको नहीं मिलेगा यानी कि अगर दुनिया में खौफ और गम से बचना है डिप्रेशन से बचना है सैड होने से बचना है तो क्या करना है किताब की तालीम हासिल करना है उसके ऊपर उसकी इतबा करना है उसके ऊपर अमल करना है आज हम किताब से दूर हैं हम उसकी इतबा से दूर हैं इसीलिए आज हम जो है हर जगह जलील और खौर और गम और रंज का शिकार हो रहे हैं और पे और जो उसको कबूल करने से इनकार करेंगे यानी कि कुरान को वो हमारी आयत को झुटलाएंगे वो आग में जाने वाले हैं जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे अब यहाँ पर बनी इसराइल का जिक्र आ रहा है कि अल्लाह तला को हम बोले मकजूब में शामिल मत करो अल्लाह तब मकजूब वालों की कौम का जिक्र कर रहे हैं ए बनी इसराइल यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम की जो कौम है उनको बनी इसराइल कहते हैं या फिर आम जबान में यहूद और नसारा मिलकर बनी इसराइल बोलते हैं और यहाँ पर इन कॉन्टेक्ट में जो है बनी इसराइल से मुराद यहूद हैं पहले तो अभी यहूद ए बनी इसराइल जरा ख्याल करो मेरी उस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था यानी कि तुम जो एहद थे ना मुझे, तुमने कुछ थे मुझे, उसे तुम डरो तो और, और फिर और मैंने जो किताब भेजी है इस पर ईमान लाओ और उस किताब की तायद करो जो तुम्हारे पास मौजूद है यानी कि कुरान की पहले की किताब की और वक्त की किताब की लिहाजा सबसे पहले तुम ही मुनकर मत बन जाओ सबसे पहले तुम ही काफिर मत बन जाओ और थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को ना बेच डालो और मेरे गजब से बचो क्योंकि यहाँ पर क्या है आयतों बेचना? के बेचना अल्लाह के गजब को भड़काता है बातिल का रंग कर हक मुश्तबा न बना लो और ना जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश करो नमाज कायम करो जक़ात दो और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ क्या है जको फिर अल्लाह तला यहाँ पर बहुत अहम बात करते हैं जो आपको और मुझे सोचने की जरूरत है नासिर व तनसोना अनफुसू क्या तुम दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो अल्लाह अल्ला हमको इनमें शामिल ना फरमाए वह अंतुम तत्लून किताब हालांकि तुम किताब पढ़ने वाले हो कुरान का इमर रखे ऐसे कामा करे अफला तुम क्या तुम अकल नहीं रखते कि देखो भाई किताब तुम दूसरों को तो तालीम दे रहे और किताब से तुम दूसरों को तो बचा रहे जहनुम से बचा रहे और खुद जहनुम से नहीं बच रहे ये कोई अक्लमंदी है क्या तुम्हारे को इतनी अकल नहीं है अल्लाह तला हमसे सवाल कर रहा हमको गौर करना है अपने हाल पर अब यहाँ पर एक बहुत ही अब देखिए कि अहम बात अल्लाह तला बता रहे कि वही बेसबरी वसला अल्लाह से हम हिदायत मांगे इस दिन अफरातलमस्कीम अल्लाह बुरे हिदायत का रास्ता चाहते हो तो फिर तुमको क्या करना है मदद हासिल करो किस से सबर और सलाह से सबर और सलाह के जरिए से तुम मदद हासिल करो देखिए कि यहाँ पर एक अहम बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम हम जो है दुनिया जैसा हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना टू मिनट्स मैगी नूडल्स राइट टू मिनट्स के मैगी नूडल्स देखते पर हम जानते हैं कि वो टू मिनट्स में वो मैगी नूडल्स नहीं बनते हैं पर आपको मालूम है कि एक चीज टू मिनट में हो जाती है सिर्फ दो मिनट में हो जाती है और वो क्या है हमारी तमाम परेशानियां दूर हो सकती है सिर्फ दो मिनट में हमारी जिंदगी बन सकती है दो मिनट में हमारी हाजत जो है पूरी हो सकती है दो मिनट में क्या आपको दो रकात नमाज पढ़ना है दो रकात नमाज को दो मिनट लगते हैं और वो जो दो मिनट में मैगी जो नहीं बनती आपकी पूरी जिंदगी बन सकती है आपकी पूरी जिंदगी बन सकती है वो दो मिनट में तो दो रकात नमाज जो भी परेशानी है जो भी मुश्किल है जो भी जिंदगी में मामलात है मदद की जरूरत है और बरकत की जरूरत है बीमारियों को दूर करने की जरूरत है खुशियों की जरूरत है घर में सुकून की जरूरत है रिश्तों में जो है मोहब्बत की जरूरत है दो रकात नमाज पढ़िए आप ये दो रकात से क्या है कि आपकी जिंदगी बन जाएगी इनशा तो फिर अल्लाह ताला बता रहे बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है मगर के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना है यानी कि जिसको आखिरत का यकीन है उनको नमाज मुश्किल नहीं लगेगी और उसकी तरफ पलटना है ए बनी इसराइल याद करो मेरी उस नेमत जिस जिसे मैंने तुम्हारे को नवाजा था उस बात को मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें दुनिया की सारी खामा पर फजीलत तता की थी आज हमको भी इमाम अल्लाह तला बनाए हुए हैं खैर उम्मत बनाए हुए हैं जरा देखिए कि उन्होंने क्या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से नहीं निभाए और जो है अपना नुकसान कर लिए हमको भी जरा गौर करना है और डरो उस दिन से दिन से जब कोई किसी के काम नहीं आएगा ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल की जाएगी ना कोई फदिया लेगा ना कोई काम आएगा ना सिफारिश कबूल ना फिदिया से छोड़ा जाएगा और ना ही मुजरिमों को कहीं से मदद मिलेगी याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फिराउनियों के गुलामी से निजात बख्शी थी अब क्या है और फिराउन का वाक्य यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या है कि तुमको फिर से निजात बख्शी थी उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला कर रखा था तुम्हारे लड़कों को जुबा करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी छोटे छोटे मासूम बच्चों को कतल कर देते जुबा कर देते थे गर्दने काट देते थे और बेटियों को बुराई करने के लिए लड़कियों को छोड़ देते थे याद करो वो वक्त जब हमने समंदर में ऐसे जो जालिम कौम थी उनको तुम्हारे आंखों के सामने अल्लाह तला ने ग कर दिया और तुमको रास्ता बनाकर तुमको वहां से निजात अता फरमा दी थी क्या तुम भूल गई है अल्लाह तला की नियमत को और फिर तीसरा याद करो जब हमने मूसा को चालीस शबाना रोज के लिए बुलाया था और फिर उस और तो उसके पीछे तुम बछड़े को अपना मामुद बना लिए क्या बछड़ा तुमको त, ज, 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 समंदर से निजात अता किया था क्या बछड़े ने तुम्हारी एक को हर तरीके से तुमको नेमतें फराहम की थी तुम बछड़े को कैसे माबूत बना ले रहे उस वक्त तुमने बड़ी ज्यादती की थी मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ फरमा दिया अफू का मामला फरमा दिया और शायद सॉरी तुम्हें माफ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्र गुजार बनो अब याद रखिए कि जब हम गुनाह करते हैं और अल्लाह ताला से तौबा करते हैं और अल्लाह हमको माफ कर देता है तो उसमें क्या करना है हमको शुक्र गुजार बनाए यानी कि फिर अल्लाह तला की इतात में अपनी जिंदगी को गुजारना है याद करो ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे यानी कि बछड़े को महबूत बनाकर हमने मूसा आई इस्लाम को किताब और फुरखान अता फरमाई थी और जिसके जरिए से सीधा रास्ता पा सको याद करो फिर नेमतों का कितनी नेमत के बाद नेमत नेमत के बाद नेमत का जिक्र अल्लाह तला कर रहे हैं याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटा तो उसने अपनी कौम से कहा कि कहा लोगो तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर सख्त किया है लिहाजा तुम लोग अपने खालिफ के तोबा करो और अपनी जानों को हलाक करो अब देखिए मूसा इस्लाम की कौम के लिए तोबा का क्या तरीका था अपने जानों को हलाक करो यानी कि एक दूसरे को कतल करने का हुक्म था इसी में तुम्हारे खालिफ के नज़दीक तुम्हारी बेहतरी थी उस वक्त तुम्हारे खालिफ ने तुम्हारी तोबा कबूल कर ली बड़ा माफ करने वाला और अहम फरमाने वाला है याद करो जब तुमने मूसा मूसालाम से कहा था देखिए क्या क्या कि क्या, क्या क्या याद दिला रहे अल्लाह तला याद करो याद करो याद करो अल्लाह तला बता रहे हैं कि याद करो जब तुमने मूसा मूसालाम से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हर गिज़ यकीन ना करेंगे जब तक कि अपनी आंखों से अलानिया खुदा को ना देखे अवाह अकबर क्या ये कोई ऐसा तक कर सकता है कोई दिल में खशियत रखने वाला कि हम जब तक अल्लाह को नहीं देखे हम तुम आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे असल ईमान तो क्या है गैर पर ईमान लाने का है राइट तो अल्लाह ताला तला पर देखिए कि मूसा की जो कौम थी क्या बोल रहे हम जब तक यकीन नहीं करेंगे उस वक्त तुम्हारे देखते देखते एक तो मूसा क्या करें इनकी ये डिमांड पर सेवेंटी जो है उनके कौम के लोगों को मूसा मुसालाम लेकर गए तो वहां पर जब उन्होंने ये डिमांड किया तो अल्लाह ताला क्या करे देखते देखते एक जबरदस्त सायके ने तुमको आ लिया यानी कि एक ऐसी कड़क चमक आई कि उनको जो है बेजान कर कर रख दी मगर हम हमने तुमको जिला उठाया बेजान के बाद फिर जिला उठाया शायद के इस एहसास पर तुम शुक्र गुजार बन जाओ हमने तुम पर अबर का साया किया देखिए क्या क्या नेमत अल्लाह तला ने उनको उनके ऊपर किया अबर का साया किया मनोसलवा की गजा तुम्हारे लिए फराहम की तुमसे कहा कि जो पाक चीजें तुम हमने तुम्हें बख्शी है उन्हें खाओ मगर तुम्हारे असलाफ ने जो कुछ किया वो तुम, वो अः वो हम पर जुल्म ना था बल्कि उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया था फिर याद करो जब हमने कहा था कि ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें दाखिल हो जाओ यानी कि बस्ती में दाखिल होने का हुक्म दिया गया तो फिर क्या हुआ कि दाखिल हो जाओ इसकी पैदावार जिस तरह खा चाहो मजे से खाओ मगर बस्ती के दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल होना क्या हुक्म दिया बस्ती में दाखिल होना है और सजदा रेज होकर दाखिल होने का है और फिर क्या कहने का है कि हिततन हित्ला अल्ला तो हमारी मफफरत फरमा दे ये बोलते हुए खताओं को दरगुज़र कर ये बोलते हुए दाखिल होने का है और नेको कारों में मजीद फजल और करम से नवाज नवाजेंगे मगर जो बात कही गई थी ज़ालिमों ने उसे बदल कर कुछ और कर दी हितुन के बदल हित कहा गंदुम चाहिए कहा आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल किया ये सजा थी उन नाफरमानियों की वजह से जो वो कर रहे थे अब देखिए कि आसमान से रिज रिज के बारे में जो हदीसों में आता है कि रिज जो है एक किस्म का तान होता है बीमारी होती है राइट तो ये कब होती है जब हम अल्लाह ताला के तहकाम को बदल देते हैं और अल्लाह ताला जो हुक्म दे रहा उसके खिलाफ करते हैं तो अल्लाह ताला क्या करते हैं सख्त अजाब में लोगों को पकड़ते हैं तो हमको भी देखना है कि आज अगर हम कोई ऐसे बीमारियों में शामिल है ऐसे वबा में मुब्तला है जो कभी नहीं थी तो हम देखना है कि हम क्या अल्लाह तला की अहकाम को क्या बदल रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो उससे तोबा करने की जरूरत है याद करो जब मूसा इस्लाम ने अपनी कौम के लिए आ, पानी की दुआ की तो हमने कहा फुला चट्टान पर अपना आसा मारो चुनाचे इससे ए बारह चश्मे फूट निकले हर कबीले ने जान लिया बारह कबीले थे तो बारह कबीले के बारह चश्मे फूटे और हर इंसान ने जान लिया कि कान से पानी लेना है उस वक्त ये हिदायत कर दी गई थी कि अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क खाओ और जमीन में फसाद मत करो रिस्क खाओ पर फसा नहीं करना है याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा हम एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं करेंगे हमको तरह तरह की चटखारे चीजें खाने की जरूरत है अपने रब से दुआ करो यानी कि देखिए बदब्ती का हाल ये है कि अल्लाह ताला से खुद दुआ भी नहीं करे और मूसा को बोरे के दुआ करो हमारे लिए जमीन की पैदावार साग तरकारी खीरा ककड़ी लहसन और क्या है गेहूँ लहसन प्याज वगैरह सब जो है हमारे लिए पैदा करे तो मुसाइल इस्लाम ने कहा क्या एक बेहतर चीज के बजाय तुम अदना दर्जे की चीज जो है तुम पसंद करते हो यानी कि जो तुम्हारे लिए बेटर है तुम बेटर को छोड़कर वर्ष चीज तुम अपने लिए जो है पसंद कर रहे हो तो तुम तुम कितने बेवकूफ हो कि ये चाहिए वो चाहिए तमाम चीजों की डिमांड उन्होंने की कि ऐसे ऐसे तकाजे के ककड़ी प्याज लहसुन ये सब चीजें हम आपको चाहिए फिर उसके बाद अच्छा किसी शहर आबादी में जा जा रहा हो जो कुछ तुम मांगते हो वहां तुम्हें मिल जाएगा आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुंची कि जिल्लत खारी बस्ती बदहाली उन पर मुसलत कर दी गई क्या हुआ रिजल्ट क्या हुआ जिल्लत मस्कना और अल्लाह का गजब उनके ऊपर और वो अल्लाह के गजब में घिर गए ये नतीजा था इसके लिए क्योंकि उनका उनकी जुर्म क्या था देखिये एक तो थे और दूसरा रीजन जुर्म था और जुर्म क्या था जुर्म यह था कि वो दुनिया को आखिरत पर तरजीह देते थे अल्लाह आयतों का इनकार करते थे अम्बिया का नहा कतल करते थे अल्लाह तला की जो है असोवा कानून यानी कि नाफरमानी करते थे और हद से निकल निकल जाते थे यकीन जानो के नबी कर... अब यहाँ पर देखिये जो इस तरीके का दुनिया के तकाजे करेगा और इस तरीके का मामला करेगा तो उसका भी रिजल्ट क्या होगा ज़िल्ल मस्कनत और अल्लाह का गजब उनके ऊपर आएगा तो अगर हमको बचना है तो ये तमाम चीजों से बचने की जरूरत है अब देखिए इंसान खाने पीने का इतना हरीस होता है कि खाना खाने की खातिर कई किलोमीटर वो अलग अलग जगहों पर अपने जायके चटकारेदार चीजें खाने को पसंद करता है पर अगर दीन के रास्ते में अगर उसको निकलने का हुक्म दिया जाए जरा सा मस्जिद तक भी जाने का अस्जिद दूर है अरे मदरसा दूर है क्लासेस दूर है अम्मा वहां तक जाने नहीं होता सब घर बैठे होने का है पर क्या है कि अपने माश के लिए अपने खाने पीने के लिए अपनी पसंदों को पूरा करने के लिए ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कहाँ तक हम जो है हद तक जो है जाते हैं तो हमको यहाँ पर गौर करने की जरूरत है तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जो बेटर चीज अल्लाह ताला ने अता की है वो छोड़कर तुम बेकार की चीजें तुम अपने लिए प्रेफर कर रहे हो और इसमें ये देखिए आयत कितनी प्यारी है कि क्या है न लदी हुआ अदना बिल हुआ खैर के खैर को छोड़कर बेकार की चीजें तुम जो है अपने लिए प्रेफर कर रहे अच्छा फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीन जानो कि नबी अरबी को मानने वाले हो या यहूदी हो या ईसाई हो या साहबी हो जो भी हो यानी कि आप यहूदी रहो ईसाई रहो साहबी रहो कुछ भी रहो ठीक है यहूदी तो मूसाला इस्लाम के फॉलोअर्स को कहते हैं ईसाई ईसा इस्लाम के फॉलोअर्स को कहते हैं सभी जो बेदीन होते हैं ना जो कोई रिलीजन को फॉलो नहीं करते या फरिश्तों को या स्टार्स को फॉलो करते हैं या आत्परस्ती करते हैं तो उनको साबी कहते हैं जो बेदीन है तो अल्लाह तला बोले कुछ भी रहो पर असल क्या है ईमान लाना है और आखिरत पर अल्लाह पर ईमान आखिरत पर ईमान और अमले ये तीन कंडीशन है किसके लिए अगर तुम जो है आखिरत की नजात तुम पाना चाहते हो अब देखिए कि ये जो है ना ये आयत मोस्ट मिसअंडरस्टूड आयत है कुछ लोग ये समझते हैं कि एट प्रेजेंट यानी कि आज के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद अगर कोई यहूद नसारा या साबी रहा और पर उन्हें जो है ईमान और अमले सौले कर लिया तो उन्हें जो है बच जाएगा नहीं ये आप से पहले की बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहे कोई भी रिलीजन के रहो ईमान लाना ये जरूरी है ठीक है तो अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और उसके बाद अमले सौले करेंगे तो फिर फलाम अजरुन फ़लाह अजरुम इंदरबीम उनके लिए अजर है वला अलैहिम वला आल वाहन और उनके लिए ना खौफ है ना गम है ठीक है याद करो वो वक्त जब हमने तूर तूर को तुम पर उठाया ताकि तुमसे पुख्ता अहद लिया था अः तूर को उठाकर तुमसे पुख्ता लिया था और कहा था जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं इसे मजबूती के साथ थामना जो अहकाम व हिदायत इसमें दर्ज है उन्हें याद रखना इसी जरिए से तो तो इसी जरिए से तो तवखा की जा सकती है कि तुम तखवा की रविश पर चल सकोगे मगर इसके बाद यानी कि अगर कुरान को थामने का हुक्म दिया गया पर इसके बाद क्या करे अहद से तुम फिर गए इस पर भी अल्लाह ताला फिर तुम पर रहम करके फजल और रहमत के साथ तुमको जो है तुमको नहीं छोड़े और फिर ना तुम वरना फिर तुम कब के तबाह हो चुके थे फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का खिस्सा मालूम है जिन्होंने सबत यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम के वक्त में सैटरडे का जो कानून था जिसमें क्या हुक्म था कि सब दुनिया के काम छोड़कर सिर्फ इबादत करना है तो आ, सबत का कानून तोड़ा था हमने उन्हें कह दिया था कि बंदर बन जाओ जब उन्होंने क़ानून तोड़ा तो उनको बंदर क्या है किरादतन खासीन का हुक्म दिया अल्लाह तला और इस हाल में रहो कि हर तरफ से तुम पर झुटकार और फिटकार पड़े इस तरह हमने उनको उनके अंजाम को इस जमाने के लोगों और बाद के आने वाले नस्लों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा फिर वो वाक याद करो जब मुसालाम ने अपनी से कहा था कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय जुबा करने का हुक्म देता है कहने लगे क्योंकि गाय की मोहब्बत दिल में थी ना कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो मुसालाम ने कहा आउज बिल्लाजाहन ये बहुत प्यारी दुआ है हम भी करते रहना है मैं इस खुदा से खुदा की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों की सी बातें करूँ बोले अच्छा अपने रब से जरा पूछो खुद नहीं पूछ रहे अपने रब से जरा पूछो कि हमें इस गाय की कुछ तफसील बताए मूसा इस्लाम ने कहा अल्लाह तला का इर्शाद है कि वो ऐसी गाय होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो ना बच्चिया हो बल्कि दरमियानी उम्र की हो लिहाजा जो कुछ हुक्म दिया जा रहा है उसकी तामील करो फिर सवाल करने लगे जरा अपने रब से पूछ कर बताओ अब उसका रंग कैसा होना चाहिए कलर कलर कैसा होना चाहिए तो मूसाला ने कहा कि उसका जर्द रंग हो ऐसा रंग हो जो देखने वाले को खुश कर दे फिर वो बोले कि अच्छा जरा साफ साफ जरा थोड़ा और भी पूछ कर बताओ कि जरा गाय कैसी तो भी होना चाहिए आखिर हमको जो है थोड़ा सा डाउट हो रहा है अल्लाह ताला चाहा तो जरूर इन हम रास्ता पालेंगे मूसा ने जवाब दिया अल्लाह ताला कहता है कि अच्छा वो ज्यादा पूछ रहे ना सवाल अब लियो स्पेसिफिकेशन ऐसी गाय हो खिदमत नहीं ली जाती हो ना जमीन जोतती हो ना पानी खींचती हो सही सालिम हो बेदाग एक स्पॉट भी उसके पर ना हो स्पॉटलेस हो इस पर वो पुकार उठे हाँ तो अब तुमने ठीक पता बताया फिर उन्होंने उसे जुबा कर कर दिया वरना वो जुब, ऐसा करते मालूम नहीं होते थे और तुम्हें याद है वो वाक जब तुमने एक शख्स की जान ली थी यानी कि एक वाक था जिसमें एक शख्स ने किसी का मर्डर किया था फिर उसके बारे में आपस में एक दूसरे से झगड़ा करने लगे और इल्जाम एक दूसरे पर थोपने लगे अल्लाह ताला अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छुपाते थे अल्लाह ताला उसको खोल कर रखेगा उस वक्त हमने हुक्म दिया कि मखतूल की लाश को इसके एक हिस्से पर जरब लगाओ यानी कि गाय को जुबा करके उसके हिस्से पर जर्ब लगाओ देखो इस तरह अल्लाह तला मुर्दों को जिंदा करता है तो क्या हुआ जैसे जर्ब लगाया तो वो जो यानी कि जो आ, जिसका मर्डर हुआ हुआ था वो मरा इंसान उठकर अपने जो है आ, किलर का नाम बता दिया तो अल्लाह तला बता रहे कि देखो ऐसा मुर्दों को अल्लाह तला जिंदा करते हैं और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाते हैं ताकि तुम समझो मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हें तुम्हारे दिल सख्त हो गए अब देखिए कि निशानियां खोल खोल कर बताए आज हमारे पास ऐसी निशानियां नहीं दिखती राइट हाँ पर मौसा इस्लाम की कॉम को अल्लाह ताला ऐसे निशानियां बताए जो यानी कि बिल्कुल अलग लेवल के थे पर उसके बावजूद भी उन्होंने इनकार करे अब जब अल्लाह तला की खुली निशानियां देखने के बाद जब इनकार करता है इंसान तो क्या होता है उसका रिजल्ट दिल सख्त हो जाते हैं और सख्त भी कैसे पत्थरों से ज्यादा सख्त कल हिजारती औद्वा उससे भी सख्त हिजार से यानी कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त बल्कि सख्ती में इससे भी ज्यादा बड़े हुए हैं क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे तो निकलते पत्थर फिर भी बेटर है चश्मे तो फूट निकलते कोई जो है फटता है और इसमें से पानी निकलता है कोई खुदा के खौफ से लरसते हैं पर किस जब दिल सख्त होते हैं तो फिर उन्होंने जो है पत्थरों से भी गए गुजरे हो जाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी करतूतों से बेखबर नहीं है ए मुसलमानों अब क्या उन लोगों से तुम ये तो रखते हो कि तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे हालांकि इनमें से एक गुरोह का शेवा ये रहा है कि अल्लाह ताला का कलाम सुनने सुनना सुनन, अल्लाह ताला का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ लेने के बाद दानिश्ता यानी कि जानबूझकर इसके अंदर चेंजेस कर दिए तहरीफ कर दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हम भी क्या है हम भी मानने वाले हैं और जब आपस में एक दूसरे से तकलीफ में बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि बेवकूफ हो गए हो लोगों के सामने वो बातें बताते हो जो वो बातें बताते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोला है ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें हुज्जत पेश करे और क्या ये जानते नहीं है कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं अल्लाह को तो सब बातों की खबर है इनमें से एक दूसरा ग्रोह वो उमियों का है जो किताब का किताब का तो इल्म रखते नहीं बस अपनी ख्वाहिशात की बेबुनियाद उम्मीदों में और आर्जों के पीछे पड़े हुए हैं अब देखिए कि अल्लाह ताला के नजदीक रियल जाहल असल जाहल कौन है अल्लाह के नजदीक असल जाहल वो है जो किताब का इल्म नहीं रखता और फिर क्या है अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आर्जों में अः मुबतला रहता है और महज गुमान के पीछे चलता है तो जो गुमान के पीछे चलते हैं कुछ लोग ऐसे है ना जो कहते हैं कि भाई उन्हों बचा लेंगे इन्हों बचा लेंगे यहूद क्या कहते थे अगर हम तो जहनुम में नहीं जाएंगे अगर गए तो भी हम तो अल्लाह के फेवरेट हैं अगर गए तो भी चंद रोज के वास्ते जाते होंगे दुनिया की वो क्या कहते थे कि दुनिया की पूरी जो उम्र है वो सात सौ साल है तो हर सात हजार साल है सॉरी सात हजार साल है और हर एक हजार साल के बदले हमको एक दिन जहन्नुम में डाला जाएगा

तो इसमें क्या है रहना मुब्तला रहना क्या है जहालत है अल्लाह के नजदीक अल्लाह क्या बोल रहे जहालत है बस हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए अब देखिए कि जाहल वो भी है जो किताब का इल्म नहीं रखता हालांकि दुनिया में डॉक्टर होंगे इंजीनियर होंगे बड़े से बड़े पी होंगे पर दुनिया में हो सकता है आपको बड़े इज्जत से पुकारा जाता होंगे डॉक्टर बोल के पुकारा जाता होंगे पर अगर आपके पास किताब का इल्म नहीं है कुरान का इल्म नहीं है तो एक्चुअल में अल्लाह के नजदीक आप जाहिल है तो हमको देखना है कि दुनिया की तालीम में तो हम कहाँ चले गए काका चांद को पहुंच गए पर किताब के बारे में हमको मालूम तक नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या अहकाम है बस हलाकत है तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से शराक नौशा लिखते हैं यानी कि अपने हाथों से किताब कल्ला की किताब को अपने हाथों से लिखते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये तो अल्लाह तला की तरफ से है और इसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल करते हैं अल्लाह तला बोल रहे की हलाकत है जो भी उन्होंने लिखा है और हलाकत है जो भी वो कमाते हैं अब देखिये कि यहाँ पर वैल तीन मरतबा इस्तेमाल किया गया है वो कहते हैं कि दोजक की आग हमें हरगिज छूने वाली नहीं है इनकी खुशफहमी देखिए अल्लाह ये चंद्रोष की सजा मिल जाए तो मिल जाए उनसे पूछो क्या तुमने अल्लाह तला से कोई अहद लिया अल्लाह तला वादा करे अल्लाह तला तुम आपको गारंटी दिए क्या बिना पर तुम ऐसी बातें अल्लाह तला की तरफ मनसूख कर रहे हो और फिर क्या अल्लाह और फिर क्या है कि सॉरी आग हमें हरगिज नहीं छुएगी इला ये कि चंद रोज की सजा मिल जाए तो मिल जाए इनसे पूछो क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है जिसकी खिलाफ वर्जी वो नहीं कर सकता या बात ये है कि तुम के दाल कर ऐसी मुताल तुम्हें खुद इल्म नहीं है और उसके और उसने के, आ, आ, के उसने इनका जिम्मा लिया आखिर तुम्हें जोजक की आग क्यों नहीं छुएगी जो बदी तुम कमाते हो अपनी खताकारी के चक्कर में जो बदी कमाता है और अपनी खताजकारी के चक्कर में पड़ता है वो दो जखी है और दो में वो हमेशा रहेगा यानी कि जो गुनाह करता है और उसी में मुब्तला रहता है और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करे वही जन्नती और जन्नत में हमेशा रहेंगे दो कॉन्ट्रास्ट अल्लाह तला लोगों के बारे में बता दिए याद करो इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता द लिया था कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करना अब देखिए कि अहद जो बनी इसराइल से लिए थे ऑलमोस्ट सेम अहद हमारा भी है हमको भी इसके ऊपर देखना है कि हम इसके ऊपर कितना अमल कर रहे हैं क्या अहद लिए थे पहले तला के सिवा किसी और की इबादत नहीं करना दूसरा माँ बाप के साथ एहसान का मामला रिश्तेदारों के साथ यतीम और मस्किन के साथ नेक्स्ट लोग और फिर लोगों से फूल इन्ना हुसना लोगों से भली बात नरमी बात अच्छी बात खैर की बात नमाज कायम करना जक़ात देना और मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो यानी कि यह से को भी कहा था और हमारे लिए भी है पर क्या है अल्लाह बता रहे हैं कि तलाजोरिटी इसके ऊपर ईमान ईमानें रखती बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं फिर जरा याद करो हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे के घर को घर एक दूसरे को घर से बेघर करना तुमने इसका इस का इकरार किया था तुम खुद इस पर गवाह हो मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई बंदों को कतल करते हो और अपने बिरादरी के कुछ लोगों को बेखानमा यानी कि बेघर कर देते हो जुल्मती के साथ इनके खिलाफ बंदियां करते हो और जब लड़ाई में पकड़े हुए आते हैं तब तुम इनको फितिया देकर छुड़ाते हो हालांकि उनको उनके घर से निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था तो अब देखिए कि अल्लाह तला क्या बोले आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और आपस में एक दूसरे के ऊपर नहीं करना है पर क्या करे फिर वारियत करके एक दूसरे पर जुल्म करे तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो अना बेबादल किताबी तक़फ़रोना भी बास और दूसरे हिस्से का कर कुफ्र करते हो फिर तुम में से जो लोग ऐसा करेंगे यानी कि किताब के कुछ हिस्से को मानते और कुछ हिस्से को अपनी मर्जी से छोड़ देते उसका रिजल्ट देखो क्या है अगर तुम लोग कुछ ऐसा करेंगे तो इनकी सजा इसके सिवा कुछ नहीं है कि दुनिया की जिंदगी में जलील और ख्वार होंगे और आखिर आखिरत में शदीद बदतरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाएंगे अब सोच के देखिए कि आज हम जो है जिलत में क्यों हैं क्योंकि हम जो है किताब की क्या है पिक एंड चूज वाला मामला कर रहे गोया के बूफे लगा है जो मर्जी में आ, खा ले रहे हैं जो मर्जी में आ, छोड़ दिए जैसा तो किताब की कुछ बातों पर मान रहे और कुछ को छोड़ दे रहे अल्लाह इन हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो ये वो लोग हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर दुनिया की जिंदगी खरीद ली है लिहाजा ना इनकी सजा में कोई तकलीफ होगी और ना उन्हें कोई मदद पहुंचेगी हमने मूसा को किताब दी इसके बाद पे दर पे रसूल भेजे आखिरकार ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियां देकर भेजा और रूह पाक से इसकी मदद की यानी की जब्राई स्ल्लाम से फिर तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारे ख्वाहिशात नफ्स ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कोई चीज लेकर तुम्हारे पास आया तो तुमने इस मुखा, इन, इसके में सरकशी की किसी को लाया और किसी को और को खतर कर डाला वो कहते हैं कि हमारे दिल महफूज हैं, हमारे खलूबना गुल गिलाफों में हैं। असल बात यह है कि उनके कुफर की वजह से इन पर अल्लाह की लानत और फिटकार पड़ी है इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से इनके पास आई है इसके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं बावजूद ये कि इस किताब की तस्दीक यानी कि सच्चाई होने की सच्च, तस्दीक करती है सच्चाई का इजहार करती है जो इनके पास मौजूद है बावजूद ये कि इसकी आमद से पहले जो खुद कुफार के मुकाबले में फता नुसरत की दुआएं मांगते थे कि अल्लाह ताला वो नबी को भेज वह आखिरी नबी को भेज और वो किताब को भेज ताकि हमारी जीत हो जाए मगर जब वो चीज आ गई जो वो पहचान भी गए कि नबी को पहचान भी गए तो उन्होंने उससे मानने को उसको मानने से इनकार कर दिया खुदा की लानत पर खुदा की उन मुनकरीन पर कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं जो हिदायत अल्लाह ताला ने नाजिल की है इसको कबूल करने से सिर्फ इस जिद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने फजल वही और इसालत से अपने जिस बंदे को खुद चाह नवाज दिया लिहाजा अब ये गजब बाला गजब क्या है भी फाउब अला गजब गजब पर गज़ब ठीक है डबल गजब के मुस्तक हो गए और ऐसे काफिरों के लिए सख्त जिल्लत आमे सजा मुक्र है जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल किया है इस पर ईमान लाओ तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ उस चीज पर ईमान लाएंगे जो हमारे यहाँ यानी कि बनी इसराइल में जो उतरी है इस दायरे के बाहर जो कुछ आया यानी कि कुरान उसको मानने से वो इनकार कर दिए हालांकि वो हक है उस तालीम की तस्दीक व तायद कर रहा है जो इनके पास पहले से मौजूद है यानी कि कुरान पहले की किताबों की क्या करती है तायद करती है अच्छा इनसे कहो अगर तुम उस तालीम ही पर ईमान रखते हो रखने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई है तो इससे पहले के पैगंबरों को जो इसराइल में आए थे क्यों कतल करते रहे तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम कैसी कैसी रोशन निशानियां खुली खुली निशानियों के साथ आए फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि मूसा इस्लाम की निशानियां देखने के बाद भी उनके पीठ फेरते साथी बछड़े को महबूत बना लिए फिर जरा उस मीसाख को याद करो जो दूर को तुम्हारे ऊपर यानी कि पहाड़ को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था हमने तयद की थी कि जो हिदायत हम दे रहे हैं इसकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगाकर सुनो तुम्हारे असलाफ ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं क्या बोले उन लोग समीअना अना व अशीना और उनकी बातिल परस्ती का हाल ये था कि दिलों में उनका बछड़ा ही बसा हुआ था व उश्रिबु फी कुलूबिहिम अल इजला बिकुफ्रिहिम कि उन्होंने उनकी दिल में बछड़े की मोहब्बत को पिलाए गए थे जैसा कि कोई जैसा पानी पी लेने से पूरे जिसम में फैल जाता तो बछड़े की मोहब्बत उनके पूरे जिसम में फैल गई थी कहो अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी का प, त, तुम्हें देता है। <स्थाँगे> इनसे कहो कि अगर वाकई में अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तुम्हारा तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए ही मखसूस है यानी कि स्पेशल तुम्हारे लिए आखिरत का घर है तुम अल्लाह के बहुत फेवरेट हो तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो जल्दी से जन्नत में चले जाओ अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो तो सच्चे हो तो ऐसी दुआ करो यानी कि मौत की तमन्ना करो यकीन जानो कि ये कभी इसकी तमन्ना नहीं करेंगे इसलिए कि उनको मालूम है कि जो उन्होंने अपने हाथों से कमाकर आगे भेजा है इसका तकाजा यही है कि वो वहां जाने की तमन्ना ना करे लिहाजा इन जालिमों का हाल ये जालिमों के हाल से खौफ सॉरी अल्लाह ताला इन जालिमों के हाल से खूब वाकिफ है तुम उन्हें सबसे बढ़कर तुम उन्हें सबके सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे जिंदगी का हरीस पाओगे सबसे बढ़कर किसको यहूदियों को हती की ये मुश्किल से भी ज्यादा इसमें हरीस हैं इनमें से एक एक शख्स ये चाहता है कि हजार बरस की जिंदगी मिले हालांकि लंबी उम्र उन्हें अजाब से तो दूर नहीं फेंक सकती जैसा कुछ आमाल ये कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उन्हें देख कर देख सॉरी अल्लाह ताला तो उन्हें देख ही रहा है तो जो भी उन्होंने ये अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको देखने वाला है तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बता रहे कि कितनी लंबी भी उम्र रहो अजाब से तुम्हें तो बचाएगा और उन्होंने क्या है मौत की तमन्ना करने वाले भी नहीं है अब यहाँ से जो है जो आगे जो ये रुकू के बाद जो आगे जो जिक्र है यहाँ पर सुलेमान असलाम के जो है जिक्र है और फिर उनके कौम ने किस तरीके से जादू का मामला जो किया था उसका जिक्र है जो इनशाला हम लोग यहाँ पर मुकम्मल करके कल हम लोग इनशाला देखेंगे आ, अभी आज क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था तो इनशाला कल फिर हम लोग आगे का शुरू करके फिर सेकंड पारे पर जाएंगे तो इनशाला इसके साथ हम यहाँ पर दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला जितनी भी बातें हम लोगों ने सुनी है इसके ऊपर अमल करने वाला बना दे इलामीन हम तुझसे हिदायत की दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमको तो हिदायत का रास्ता बता दीजिए और सिर्फ बता दीजिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला, ताला उस तरफ चलाइए चला और मंजिल मकसूद तक पहुंचाइए पहुँचाइए इलामीन हमने आज मुनाफिन के बारे में पढ़ा कि कुफार के बारे में यहूदियों के बारे में मकजूब और दौलिन लोगों के बारे में और फासिकों के बारे में पढ़ा अल्लाह ताला हम तुझसे पनाह तलब करते हैं कि अल्लाह ताला हम ऐसे हरकत करें ऐसे आमाल करें और हम भी गल तो हमारी ईमान को मुकम्मल कर दे अल्लाह हमारे दिल के अंदर से जरा भी अगर निफाक हो तो अल्लाह तला उसको निकाल कर फेंक दीजिएमी हमको मुतकीन में शामिल फरमा लीजिए और लोगों में शामिल फरमा लीजिए जिसके ऊपर तूने इनाम किया और जिससे तू राजी हो गया खुश हो गया इलाहमी हम तुझसे हिदायत तलब करते हैं बेशक अल्लाह तूने हमारी इस दुआ के बदले हमारे लिए सामने कुरान को फैला कर रख दिया है अल्लाह तला इसको पढ़ने वाला समझने वाला अमल करने वाला दूसरों तक तो पहुंचाने वाला बना दीजिए इलामीन इसकी गहराइयों में जाकर इसकी जो है बेहतरीन चीजों को हासिल करने की जो है

आज के ट्रेजर हंड के जो आपको हिंट्स दिए गए थे तो उसके अंदर आ, जो आखिरी का जो हिंट है वो अभी नहीं आया ठीक है ना तो आ, वो इनशाला कल की क्लास में आएगा तो आपको आज के हिंट्स लिख कर रख लेने का है और कल जब हिंट आएगा तो फिर इनशाला हम लोग वो भी कवर कर लेंगे तो आज के जो हिंट है वो उसके आंसर्स देख लीजिए कि जो अफजल दुआ है वो अलहमद ला है ये की आयत नंबर वन में आया लिप्स का जो जिक्र है वो सुरे बंबर में गंगे का जिक्र है और फिर बेटर और वर्ड्स का जो जिक्र था वो आयत नंबर में आया ठीक है फोर्थ वाली हिंट अभी नहीं आई तो इनशाला वो हिंट हम आप लोगों को आ, कल देखेंगे ठीक है कल आप लोग उसकी हिंट आ, जो है मालूम कर सकते हैं और कल के अलग हिंट आपको दिए जाएंगे तो चलिए इसके साथ हम लोग आज की क्लास एंड करेंगे कल इनशाला मुलाकात करेंगे आप भी जरूर जुड़े बहुत सारे लोगों को जोड़िए और फिर क्या है कि अभी जैसा फर्स्ट क्लास थी तो थोड़ा सा आपने को अंदाजा भी हो गया चीजों का इनशाला कल से जो है और भी इनशाला सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में इनशाला हम लोग करने की कोशिश करेंगे ओके चलिए दुआ में याद रखिए असल वरहत लाही वरकू